Very good afternoon to all of you. Very good afternoon. Very good afternoon, guys. Please join the session. We are going to start our session for today. So, very good afternoon. Very good afternoon, guys. Please join the session. Very good afternoon. Very good afternoon, guys. Please join the session. We are going to start. So, please join the session. Very good afternoon, guys. Hello. Very good afternoon. Very good afternoon to all of you. Please join the session. Very good afternoon, guys. Please join the session. We are going to start. So please join the session. Very good afternoon, guys. Very good afternoon. Hello. Jaldi se aa jaiye sab log. We are going to start. Very good afternoon, guys. Please join the session. Very good afternoon. Very good afternoon, guys. Please join the session. Very good afternoon. Hello. Kaise hain aap log? कैसी चल रही है सबकी तैयारी? जल्दी से आ जाइए सब लोग. वी आर गोइंग टू स्टार्ट. जल्दी से आ जाइए. वेरी गुड आफ्टरनून गाइस. प्लीज जॉइन द सेशन. वेरी गुड आफ्टरनून. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लीड गेट MEXCPI चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ये पूरी न्यू मैकेनिकल टीम है जो आपके लिए हर तरीके से आपको सॉल्यूशन देगी. हर जितना भी आपको इंजीनियरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ यहाँ पे एक सिंगल चैनल पे मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के थ्रू. तो आप लोग जल्दी से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें. लीड गेट MEXCPI चैनल जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें जिससे कि किसी को भी कोई भी इशू नहीं होगा. और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके ये नॉलेज मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो पाए. तो जल्दी से जल्दी करेंगे स्टार्ट. तो चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल बार्स. देखो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास में दो तरीके के बार्स आते हैं. कभी कभी हो सकता है कि उनका सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है. और कभी कभी होता है उनका पैरेलल कनेक्शन होता है. जैसे आपके कंपोजिट बार्स होते हैं, जैसे आपके सीरीज वाले बार होते हैं, ठीक है, टेपर्ड शाफ्ट होती हैं. जैसे आपकी ये सारी जितनी भी आपके मतलब एक बार के साथ में दूसरा बार अटैच है, मेबी इट्स इन पैरेलल और मेबी इट्स इन सीरीज, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. तो उनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हम उनकी बारे में बात करेंगे आज. तो जल्दी से जल्दी गाइस ज्वाइन कर लीजिए फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलिए गाइस फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से फटाफट. जल्दी देखिए. चलिए गाइस तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है. कि द स्टिफनेस ऑफ द फीट शोन इन द फिगर बिलो इज. स्टिफनेस आपको इसकी बतानी है, स्टिफनेस ऑफ द बीम, स्टिफनेस बतानी है आपको. स्टिफनेस भी क्या होती है, एक तरीके से एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटी होती है आपकी, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होती है आपकी, वो आपको यहाँ पे बतानी है. शोन इन द फिगर बिलो, शोन इन द फिगर बिलो इज I इक्वल टू, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है दैट इज 375 इंटू 10^-6 मीटर की पावर 4 एंड L इज द लेंथ ऑफ दैट वन 0.5 मीटर एंड E इज द 200 गीगा पास्कल. ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द स्टिफनेस. अब अगर हमें स्टिफनेस निकालनी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्ट्रेन एनर्जी निकालनी पड़ेगी. सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्ट्रेन एनर्जी निकालनी पड़ेगी. तो सबसे पहले देखो हम बीम बनाते हैं आपका. ये P हुआ आपका, जो आपका लोड लग रहा है यहाँ पे, इसकी लेंथ इन्होंने दे रखी है L लेंथ और इसकी लेंथ दे रखी है इन्होंने 2L. क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज है इसीलिए इसका दे रखा है आपका 2I और इसका दे रखा है I और इसका इन्होंने दे रखा है आपको E, जो कि दोनों के लिए क्या है, सेम है. जो यंग्स मॉड्यूलस है, जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो दोनों बीम्स के लिए सेम है. आप देखिए यहाँ पे कि दोनों के लिए सेम है, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज है. और सॉरी ये लेंथ भी एल ही है, तो वी विल राइट डाउन इट इज एट एल. दिस इज ऑल्सो एल.
मतलब लेंथ आपको दे रखी है दोनों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है, यंग्स मॉड्यूलस भी दे रखा है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी इज ड्यू टू शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। बट यहां पे एक आप लाइन लिखेंगे पॉइंट करके, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शेयर फोर्स इज वेरी लेस एज कंपेयर टू स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। सो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शेयर फोर्स इज नेग्लेक्टेड। हम यहाँ पे क्योंकि शेयर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी वो बहुत ही कम होगी एज कंपेयर टू द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट, तो हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स से जो बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स से जो स्ट्रेन एनर्जी होगी उसको निग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट किसके लिए करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बेंडिंग मोमेंट के लिए अगर हम करेंगे यू की बात करें स्ट्रेन एनर्जी, तो हमको अगर मान लूँ मैं इस वाले को मैंने मान लिया है लेट से वन, इसको मान लिया है, चलो इसको मान लेता हूँ वन और इसको मान लेता हूँ मैं टू, इसको मान लिया मैंने वन और इसको मान लिया मैंने टू। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मुझे किसकी, यू वन की निकालनी पड़ेगी प्लस यू टू की निकालनी पड़ेगी, ये दोनों की मुझे निकालनी पड़ेगी, यू वन की निकालनी पड़ेगी, यू टू की निकालनी पड़ेगी, और दोनों की किसकी वजह से निकालूंगा मैं, बेंडिंग मोमेंट की वजह से। तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से कितनी होती है स्ट्रेन एनर्जी, लिमिट होती है, और फिर पी एक्स का स्क्वायर अपॉन टू ई आई टू डी एक्स ऑफ वन प्लस पी एक्स का स्क्वायर अपॉन टू ई आई डी एक्स ऑफ टू, ऐसे निकालनी पड़ेगी मुझको। सॉल्व करते हैं इसको, आगे देखो फटाफट, लिमिट पुट करो इसकी, वन के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो टू एल, और क्या हो जाएगा पी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू ई आई इंटू डी एक्स प्लस लिमिट एल टू टू एल पी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई, बट यहाँ पे चेंज है, आई की वैल्यू यहाँ पे है टू आई, ये वाली वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू आई है आपकी, आप जैसे ही इसको करने जाएंगे आपकी डायरेक्टली ये वाली वैल्यू आएगी। फर्दर स्टेप आगे बढ़ते हैं, अगर इनका मैं करता हूँ इंटीग्रेशन तो देखो क्या आएगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई और इसकी लिमिट है जीरो टू एल, इसको भी सेम टू सेम करो, एल टू टू एल पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन फोर ई आई, ये आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास। इसको फर्दर करते हैं, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, तो आपके पास में क्या आएगा, पी स्क्वायर तो एज इट इज रहा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका एक्स क्यू डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू ई आई, एक्स का एक्स स्क्वायर का करोगे आप तो एक्स क्यू बाई थ्री आ जाएगा, जिसकी लिमिट है आपकी जीरो टू एल प्लस सेम आपका यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन थ्री इंटू फोर ई आई और इसकी लिमिट है आपकी एल टू टू एल, ये आपकी लिमिट वेरी कर रही है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखो P
पी स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन एल लिमिट पुट करो इसमें, तो देखो जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एल आएगा सिर्फ और सिर्फ, तो क्या आएगा पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन सिक्स ई आई प्लस। अब यहाँ पे देखो लिमिट आपको एल स्क्वायर एल टू एल भी है और एल भी है, तो दोनों आपको पुट करनी पड़ेगी। तो अपर लिमिट सबसे पहले पी स्क्वायर टू एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व ई आई माइनस ऑफ पी स्क्वायर एल क्यू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व ई आई। सॉल्व करो इसको, पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन सिक्स ई आई प्लस ये हो गया एट, तो पी स्क्वायर एट पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन ट्वेल्व ई आई प्लस माइनस ये डायरेक्ट इतना ही रहेगा पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन ट्वेल्व ई आई, ये आएगा आपके पास बेसिकली इतना आएगा आपके पास। स्ट्रेन एनर्जी जो आ रही है वो इतनी आ रही है कि पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन सिक्स ई आई प्लस एट पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन ट्वेल्व ई आई पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन ट्वेल्व ई आई। इसमें आप क्या करो, इसमें आप ले लो इसका एलसीएम, इसमें आप इसका ले लो एलसीएम। अगर एलसीएम में ले लूँगा तो आपके पास में पता है आपको कितना एलसीएम आएगा आपके पास में, ट्वेल्व ई आई आपका एलसीएम आ जाएगा, 12 ई आई आया, तो ये हो गया आपका 2 पी स्क्वायर एल क्यू प्लस ये आपका हो गया 8 पी स्क्वायर एल क्यू माइनस ये हो गया आपका पी स्क्वायर एल क्यू। तो आपके पास में कितना आ गया, आपके पास आ गया 9 पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन 12 ई आई, 4 से कैंसिल 3 से हो जाएगा, तो 3 3 3 9 3 4 12 तो 3 पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन 4 ई आई, दिस विल बी द स्ट्रेन एनर्जी। हाउ मच स्ट्रेन एनर्जी यू विल गेट, यू इक्वल टू 3 पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन 4 ई आई, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी यू विल गेट फ्रॉम द सिस्टम। जो आपको सिस्टम दिया गया है उससे आपको स्ट्रेन एनर्जी इतनी मिलेगी, जितना आपको इतना दिया गया है उतनी स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी। और जनरलाइज टर्म में अगर मैं देखूं स्टिफनेस में कन्वर्ट करना चाहूं मैं स्ट्रेन एनर्जी को, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं U इज इक्वल टू होता है आपका 1/2 ऑफ पी स्क्वायर अपॉन के, ये होता है आपका जहाँ पे के आपकी स्टिफनेस होती है, ये आपका होता है वी ऑलरेडी नो दैट। तो इक्वेट कर दो इन दोनों को, इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास 3/4 पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन ई आई इज इक्वल टू 1/2 पी स्क्वायर अपॉन के, यार आपके पास फटाफट क्या करो, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी के की वैल्यू जो आएगी वो डायरेक्टली कितनी आ जाएगी 2 ई आई अपॉन 3 एल क्यू, ये आ जाएगा। पुट ऑल द वैल्यूज हियर, के इक्वल टू कैलकुलेट करना है 2। अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यू सारी गिवन थी, यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको गिवन थी। देखो ई की वैल्यू आपको गिवन है 200 गीगा पास्कल, इसकी गिवन है 375 × 10⁻⁶ और इसकी गिवन है 0.5 मीटर। पुट ऑल द वैल्यूज हियर, 200 × 10⁹ ये आ गया। आई की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है 375 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 3 और एल क्यू आपको पता है कितना है 0.5 का होल क्यू, ये आ गया आपके पास। सॉल्व करके लेके आओगे आप इसको तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 × 10⁴ न्यूटन, एक सेकेंड −6 −9 −3 4 × 10⁴ ये दो तीन चार × 10⁴ न्यूटन पर मीटर, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास। आप इसको कितना लिख सकते हो, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 4 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर। सो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर वुड बी द 4 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर, योर आंसर वुड बी द 4 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर। सो विच वन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1,
you all can see the option C is the right answer. Option C is the right answer for the question number, for the question number 1. Option C is the right answer for the question number 1. So we are moving to the next question. Chaliye fatafat dekhte hain next question. Question number 2 ki baat karte hain. Question number 2 mein kya hai? Aapke paas mein टोटल एंगल पूछा गया है ट्विस्ट फॉर अ स्टेप शाफ्ट. स्टेप शाफ्ट का मतलब क्या है? जिसमें स्टेप्स दिए गए हैं विच इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क, जिसमें एक टी टॉर्क लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है अगर हम देख रहे हैं तो, एज शोन इन द फिगर बिलो. तो आपको क्या बताना है यहाँ पे? टोटल एंगल पूछा मतलब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा. टोटल एंगल पूछा मतलब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा एंड पॉइंट पे. टोटल एंगल आपसे पूछा गया है ट्विस्ट एंगल टोटल, तो आपको एंड पॉइंट पे बताना पड़ेगा. एंड पॉइंट पे बताना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा टोटल थीटा निकालना पड़ेगा. थीटा आपसे पूछा गया है, आपको निकालना पड़ेगा. थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, जितना इस शाफ्ट की वजह से हो रहा है और फिर जितना इस शाफ्ट की वजह से हो रहा है. ये आपको पूरा निकालना पड़ेगा, जितना इस शाफ्ट की वजह से हो रहा है और जितना इस शाफ्ट की वजह से हो रहा है, ये आपको पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा. तो फटाफट सुनिए यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं. सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं करना है. देखो आपको निकालना है थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हो जाएगा आपके पास थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आपके पास में डायरेक्टली हो जाएगा. इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास में डायरेक्टली हो जाएगा. यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है. थीटा 1 प्लस थीटा 2 निकालना है. तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होनी चाहिए? टॉर्जन इक्वेशन पता होनी चाहिए. टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है? टी वाई जे इज इक्वल टू टाउ वाई बाई इज इक्वल टू जी थीटा वाई एल. मतलब अब देखो यहाँ पे टाउ वाई वाई का तो कोई मतलब नहीं है, तो आपके पास में जो इक्वेशन आपको लेनी है यहाँ पे वो लेनी है टी वाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ये लेना है. कैलकुलेट क्या करना है आपको? थीटा कैलकुलेट करना है. तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टी वन टी एल बाई जी जे, ये आएगा थीटा की वैल्यू ये होती है. तो यहाँ पुट करो फटाफट, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? टी एल वन अपॉन जी जे वन प्लस टी एल टू अपॉन जी जे टू, ये आ जाएगा आपके पास. टी एल वन अपॉन जी जे वन प्लस टी एल टू अपॉन जी जे टू, ये सारी वैल्यूज आ गई. क्योंकि टॉर्क क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लेंथ. टॉर्क जो टी लग रहा है वो यहाँ पे भी लगेगा और वही टॉर्क आपका टी यहाँ पे भी लगेगा, कुछ अलग से तो लगेगा नहीं. तो टॉर्क तो सेम ही है. फिर उसके बाद में मटेरियल सेम ही गिवन है, जी कुछ अलग उन्होंने दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया है, तो जी भी सेम हो गया. तो अब आपको क्या निकालना है? डायरेक्टली टी एल वाई जी जे निकालना है. तो यहाँ से देखो टी वाई जी आपका क्या आ रहा है? कॉन्स्टेंट आ रहा है. तो थीटा इक्वल टू टी वाई जी कॉन्स्टेंट ले लिया तो आपके पास बचा एल वन अपॉन जी वन प्लस एल टू अपॉन जी टू, ये बचा आपके पास. टी अगर आपने कॉमन ले लिया टी वाई जी तो आपके पास में बचा एल वन अपॉन जे वन बचेगा. एल वन अपॉन जे वन प्लस एल टू अपॉन जे टू, ये आपके पास बचेगा. तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ से. टी वाई जी ये बाहर ले लिया मैंने, ये बाहर ले लिया मैंने. अब देखो एल वन आपको गिवन है, तो फर्स्ट वाले के लिए देखो एल वन कितना है, इसके लिए एल है और इसके लिए टू एल है, और इसके लिए डायमीटर डी है, इसके लिए टू डी है. तो फटाफट देखो आगे, यहाँ पे आपको एल वन तो पता चल रहा है. एल वन कितना है आपको? एल वन है इसके लिए एल, इसके लिए एल. और जे वन, जे वन कितना होगा आपका? पाई बाई थर्टी टू बाई डी क्यू डी फोर, पाई बाई थर्टी टू डी फोर होता है. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? पाई बाई थर्टी टू डी की पावर फोर होता है, यही तो होता है. और यहाँ पे डी दिया था तो इसलिए डी हो गया. यहाँ पे एल टू की वैल्यू जो दी है वो दी हुई है टू एल, टू एल. और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी पाई बाई थर्टी टू इंटू डी की पावर फोर, नहीं वहाँ पे आएगा टू डी की पावर फोर, टू डी की पावर फोर, ये आएगा. फटाफट इसको आगे सॉल्व करते हैं. थीटा इक्वल टू टी, अब देखो पाई बाई थर्टी टू और डी की पावर फोर ले लो कॉमन, पाई बाई थर्टी टू और डी की पावर ले लो फोर कॉमन. तो ये देखो ये थर्टी टू ऊपर चला जाएगा, तो टी बाई जी इंटू थर्टी टू अपॉन थर्टी टू अपॉन पाई डी की पावर फोर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आपके पास कितना बचेगा? सिर्फ बचेगा एल अपॉन वन प्लस कितना बचेगा यहाँ पे? टू एल अपॉन सिक्सटीन. और टू से ये काट दो, एट टाइम्स कट गया, ये आ गया आपके पास. कितना आ गया? थीटा इक्वल टू थर्टी टू अप थर्टी टू टी अपॉन पाई जी
e की पावर 4 l प्लस l अपॉन 9 8 यार आपके पास फटाफट इसको सॉल्व करेंगे l भी कॉमन ले लो तो थीटा इक्वल टू आएगा 32 tl अपॉन पाई जी डी की पावर 4 और ब्रैकेट में आपके पास में बचेगा सिर्फ 1 प्लस 1 अपॉन 8 ये बचेगा आपके पास। सॉल्व करो एलसीएम लेके इसको तो थीटा इक्वल टू 32 tl अपॉन पाई जी डी की पावर 4 इंटू आपके पास में बचेगा 9 अपॉन 8 ये बचेगा आपके पास 8 से इसे कैंसिल आउट करो ये कट जाएगा आपका 4 टाइम 8 4 जा 32 तो आपके पास बचेगा थीटा इक्वल टू 4 इंटू 9 टी एल अपॉन पाई जी डी की पावर 4 जिसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो टोटल थीटा आपके पास में निकल के आएगा 36 टी एल अपॉन पाई जी डी की पावर 4। सो विच वन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास में टोटल ट्विस्ट एंगल आया है उसकी वैल्यू कितनी आई 36 टी एल अपॉन पाई जी डी की पावर 4। फटाफट देखो कौन सा आपको लग रहा है सही आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन डी इज द 36 टी एल अपॉन पाई जी डी की पावर 4। सो विच वन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक सबको क्लियर है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज आई हैं उनको आंसर किया है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। जितनी भी वैल्यूज आई हैं उसको ही मैंने किया है टैकल और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं किया अभी तक, सिंपल आपको पूरा सॉल्यूशन करना है, कुछ नहीं, दोनों के लिए थीटा की वैल्यू निकालनी है, वही थीटा आपका एंड पॉइंट पर होगा। दिस इज इक्वल टू द थीटा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 और जो टॉर्डन इक्वेशन है उससे आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यूज को पुट करना है सॉल्व कर देना है आपके पास में डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आंसर बहुत इजीली आ जाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर फटाफट क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि द फिगर शोज अ स्टील पीस ऑफ डायमीटर 20 मिलीमीटर एट ए एंड सी एंड अ 10 मिलीमीटर एट बी। द लेंथ ऑफ द थ्री सेक्शन ए बी एंड सी आर ईच इक्वल टू 20 मिलीमीटर। द पीस इज हेल्ड बिटवीन द टू रिजिड सर्फेसिस एक्स एंड वाई। द कोफिशियंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मेगा पास्कल फॉर स्टील। देखो क्या है, एक स्टेप शाफ्ट दी हुई है जिसमें एक आपका 20 मिलीमीटर का डायमीटर ये वाला है और 20 मिलीमीटर का डायमीटर ये वाला है, एक बीच वाली शाफ्ट है जिसका 10 मिलीमीटर का डायमीटर है, लेंथ तीनों की इक्वल है, रिजिड सपोर्ट लगा रखा है। फिर उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि ये सारी वैल्यूज दी हैं, फिर उन्होंने कहा व्हेन द टेम्परेचर ऑफ दिस पीस इज इंक्रीज्ड बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब इन्होंने इसका टेम्परेचर को इंक्रीज किया है बाय द 50 डिग्री सेंटीग्रेड देन यू विल सी द स्ट्रेसेस इन सेक्शंस ए एंड बी आर। तो फिर वो पूछ रहा है कि सेक्शन ए में कितना स्ट्रेस होगा और सेक्शन बी में कितना स्ट्रेस होगा ये बता दो। अब थर्मल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा आपको, सबसे पहले थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, थर्मल स्ट्रेस ही इसमें रीजन होगा मेन थर्मल स्ट्रेस। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेन आपका परमिसिबल नहीं है, यहाँ पे आपका इलोंगेशन एक्सपेंशन की अलाउड नहीं है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होंगे। अब दोनों का क्या है, यहाँ पे दोनों का एरिया है डिफरेंट, इसीलिए दोनों में स्ट्रेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो आपको वही कैलकुलेट करने हैं। तो फटाफट हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो कैसे करते हैं, कितनी ईजिली करते हैं। ये आपकी शाफ्ट हो गई स्टेप,
ये आपकी स्टेप शाफ्ट हो गई, ये ऐसे थ्री पार्ट्स में दी गई है ए बी सी करके, इसका डायमीटर दिया हुआ है 20 मिलीमीटर, इसका दिया हुआ है 10 मिलीमीटर और इनकी लेंथ सबकी दी हुई है 20 मिलीमीटर। ये सबकी लेंथ दी हुई है यहाँ पे, ये आपको इतना समझने की चीज़ है, इसमें कुछ भी वो नहीं है। बाकी आपको यहाँ की पोजीशंस दी गई हैं, इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, इसको सी बोला है, तो आपको क्या करना है वही इनको नेम दे देना है ए बी और सी, ये आपको नाम दे दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग, या फिर आप इसको कह सकते हो थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल स्ट्रेन, जो भी आप कहना चाहो आप इसको कह दो। ये आपका हुआ थर्मल एक्सपेंशन, और आप सब जानते हो थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है आपका। थर्मल एक्सपेंशन आपका हुआ, देखो लेंथ सबकी सेम है, एरिया पे डिपेंड करता नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हो डेल्टा एल इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, ये होगा आपके पास। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, देखो 3, अब देखो फटाफट यहाँ पे वैल्यूज देखो, अल्फा की वैल्यू है 1.2 × 10⁻¹⁵, टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का और एल है आपका 20 मिलीमीटर का। सारी वैल्यूज को क्या करो यहाँ पुट कर दो, तो 3 × 1.2 × 10⁻¹⁵, ये आपका हो गया 50, और एल की वैल्यू मैं क्या करता हूँ मिलीमीटर में ही रखता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको मिलीमीटर में ही डेल्टा एल मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आपका आएगा 3.6 × 10⁻³ मिलीमीटर, ये आएगा आपके पास 3.6 × -4 आएगा। ये आएगी आपकी वैल्यू डेल्टा एल की, ये वैल्यू आएगी आपकी डेल्टा एल की, द वैल्यू शुड बी डेल्टा एल वैल्यू शुड बी द 3.6 × 10⁻¹⁴, ये वैल्यू आएगी आपके पास 3.6 × 10⁻¹⁴। एक सेकेंड रुको, -5 ठीक है, -2 आएगी, ये दो हाँ 3.6 × 10⁻², मिलीमीटर आएगी आपकी डेल्टा एल की वैल्यू। ये आपको डेल्टा एल पता चल गया, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि रिजिड सपोर्ट्स हैं, रिजिड सपोर्ट्स हैं आपके पास। रिजिड सपोर्ट्स का मतलब क्या हुआ आपके पास में, नो इलोंगेशन, बट हीटिंग की वजह से इतना होना चाहिए था लेकिन हो रहा नहीं है। इसका मतलब ये आपके लिए क्या करेगा, मनीष कुमार जी SSC-JE का नोटिफिकेशन कब आएगा? सर कभी भी आ सकता है SSC-JE का नोटिफिकेशन, कभी भी आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी आ जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली यही है कि उसका अगस्त से आपका अगस्त चल रहा है, सेप्टेम्बर तक 100% आ जाएगा, सेप्टेम्बर तक 100% आ जाएगा उसको नोटिफिकेशन, आप बेफिक्र रहिए। तो ये आपको वाली बात समझ में आई, ये आपको वाली बात समझ में आई। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो इलोंगेशन हो रहा है 3.6, ये इन तीनों को मिला के हो रहा होगा, इन तीनों को मिला के ही हो रहा होगा, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि 3.6 × 10⁻²⁻² इज इक्वल्स टू, अब लोड तो इसमें सेम होगा क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों रेस्ट्रिक्शन तो बराबर ही लग रहे होंगे, तो कितना आएगा आपके पास में P × L/A ही होता था, तो P तो सेम रहेगा, L की वैल्यू आपको गिवन है 20, क्योंकि मैंने यहाँ मिलीमीटर में दिया तो मैं इसको भी 20 रखता हूँ, और A और E की वैल्यू आपको पुट करनी है, A और E की वैल्यू आपको पुट करनी है, E की वैल्यू क्या है सेम रहेगी सबके लिए, और E की वैल्यू आपको गिवन नहीं, यहाँ पे 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल दिए, मतलब न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में दिए, तो मैं डायरेक्टली यही पुट कर दे रहा हूँ, तो 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, और ये आपके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ बचेगा ये आपका P हो गया, L हो गया, अपॉन AE होता था, अपॉन AE होता था,
अपॉन में ए ही होता था, ठीक है, ई बाहर ले लिया तो आपके पास में सिर्फ क्या बचेगा, वन अपॉन ए बचेगा, वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू प्लस वन अपॉन ए थ्री, ये बचेगा आपके पास। सॉल्व करो इसको फर्दर, तो आपके पास में आया 20p डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5। आप 1 अपॉन ए को क्या लिख सकते हो, आप पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो 4 अपॉन पाई और डी स्क्वायर क्या हो गया आपका 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस सी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ोगे तो अच्छे से हो जाएगा, पढ़ोगे तो अच्छे से हो जाएगा, मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि वहाँ पे आपको अल्टीमेटली करना ही है, और उसके अलावा आपके पास मोटिवेशन सिर्फ इतना ही कि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बैठ जाओगे तो आपने जितनी भी मेहनत की है वो सब वेस्ट है, वो सिर्फ सब वेस्ट है, इसलिए उठा के सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, इतना ही आपके पास में एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। 110% आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो फिर उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी है, इसके अलावा कुछ भी मोटिवेशन काम नहीं आएगा, कुछ भी मोटिवेशन काम नहीं आएगा। सिंपल सी बात यही है कि आपको करना ही है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और करना आपको मेहनत करके ही पड़ेगा, मेहनत करके ही पड़ेगा। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से मैं पी की वैल्यू निकालूंगा, ये पी की वैल्यू निकालूंगा इसको सॉल्व करके, तो आपको पी की वैल्यू जो डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 6000 पाई इंटू न्यूटन, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू डायरेक्टली 6000 पाई इंटू न्यूटन। अब देखो आपके पास में पी की वैल्यू पता चल गई, जो पी यहाँ पे लग रहा होगा दोनों तरफ से, ये एक पी यहाँ से लग रहा होगा, एक पी यहाँ से लग रहा होगा, बस अब आपको पता है स्ट्रेस आप निकाल लोगे, आप पी इस सेक्शन पे देख लो तो भी पी की वैल्यू सेम रहेगी, इस सेक्शन पे देख लो तो भी पी की वैल्यू सेम रहेगी, तो आपको क्या करना है फटाफट, बस स्ट्रेस निकालना है। तो सबसे पहले स्ट्रेस निकाल लो सिग्मा ए में, सिग्मा ए की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, पी अपॉन ए वैल्यू पुट करो सिग्मा ए के लिए, तो पी की वैल्यू आपको पता है कितनी 6000 पाई, और ए इस वाले के लिए आपको पता है कितना है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 20 का स्क्वायर इंटू आपको पता है 20 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करके लेके आओगे तो आपको डायरेक्टली सिग्मा ए की जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी निकल के आ जाएगी 60 मेगा पास्कल, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। राइट नाउ आई एम इन थर्ड ईयर ऑफ द बीटेक बट आई एम ऑलरेडी कंप्लीटेड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग। ओके, तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, देखो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, यू आर इन थर्ड ईयर ऑफ योर बीटेक, सो डोंट वरी अबाउट इट, यू हैव द बेटर अपॉर्चुनिटी लाइक गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। कुछ चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो वो सोच के चलो कि वो अच्छी चीज़ें हैं इसलिए नहीं हुई हैं, आपके लिए दूसरे अच्छे ऑप्शन हैं इसके लिए आपका SSC-JEE में नहीं हुआ है, आपको कुछ बड़ा मिलेगा इसलिए आपके लिए अभी तक नहीं हुआ है, तो डोंट फियर दैट, और आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, बस मेहनत करते रहिए अपनी, आपके हाथ में सिर्फ वही करना है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप थर्ड ईयर में कोई इतना लोड नहीं है आपके पास, तो आप बिल्कुल भी डिमोलाइज नहीं हुई है, आपके लिए चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। अभी आप थर्ड ईयर में, अभी से आप गेट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से गेट की प्रिपरेशन करिए, और उसके बाद में आप अपना गेट में डायरेक्टली करिए, पता चला SSC में आप उठा के मुश्किल से 5 से 6 लाख रुपये कमाएंगे साल में, गेट में आप कर लेंगे तो आराम से 15 से 16 लाख रुपये कमाएंगे एक साल में, तो फिर थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है और डरना नहीं है, डर के तो वैसे भी कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो ये सिग्मा ए पता चल गया, नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द सिग्मा बी, सिग्मा बी के लिए भी वही होगा पी बाई ए, अब यहाँ पे ए दूसरा है, ए मैं इसको चलो ए वन मान लिया, इसको ए टू मान लिया, पुट ऑल द वैल्यूज हियर, सिग्मा ई इसकी वैल्यू आपको पता है 6000 पाई डिवाइडेड बाई ए टू की वैल्यू आपको पता है पाई बाई 4 इंटू 10 का स्क्वायर, और आप इसको जब सॉल्व करके लेके आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आ जाएगा आपका सीधे 240 मेगा पास्कल। हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट द 240 मेगा पास्कल, यू विल गेट द 240 मेगा पास्कल। सो आप फटाफट देखिए अगर इस क्वेश्चन को यहाँ से, तो आपको आंसर मिलेगा कि 60 मेगा पास्कल तो है ए में और बी में है 240 मेगा पास्कल। सो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, किसी को डरने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से अपना आंसर पुट कर सकते हैं बिना किसी डरे हुए, आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं बोले ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट
क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। देखो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, सेकंड किया था, लगभग सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या है डायमेंशन चेंज कर दिए, डायमेंशन चेंज कर दिए। अगर डायमेंशन चेंज कर दे तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, टॉर्क तो टी लग रहा है, यहाँ पे ये डी एल है, यहाँ पे ये टू एल है, यहाँ पे ये टू डी है, यहाँ पे एल है, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व हो जाएगा फटाफट। देखो आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ टॉर्च निकालना है, तो थीटा इक्वल्स टू थीटा वन प्लस थीटा टू, ये आपको निकालना है। यहाँ पे लगा दो आप टॉर्जन इक्वेशन, टॉर्जन इक्वेशन, टॉर्जन इक्वेशन आप सब जानते हैं क्या होता है आपका टॉर्जन इक्वेशन, टी बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई बाई या आर कहते हैं आप जो भी कहना चाहो, जी थीटा बाई एल ये आप कहते हो। तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू टी एल बाई जी जे, ये आप डायरेक्टली कह सकते हो, पुट ऑल द वैल्यूज हियर, तो थीटा इक्वल टू टी एल बाई जी जे ऑफ वन प्लस टी एल बाई जी जे ऑफ ऑप्शन टू, ये आपकी होगी थीटा की वैल्यू, ये आपकी थीटा की वैल्यू होगी टी एल बाई जी जे बाई वन टी एल जी जे बाई टू, पुट ऑल द वैल्यूज, ये टॉर्क सेम रहेगा, सारी वैल्यू आपको पता है, जी आपका कॉन्स्टेंट है, तो सिर्फ आपके क्या जे और एल में चेंजेस हैं, तब्दीली सिर्फ और सिर्फ। तो थीटा इक्वल टू आप क्या कर लो टी बाई जी ले लो कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आपके पास में बचा सिर्फ एल वन अपॉन जे वन प्लस एल टू अपॉन जे टू, ये आपके पास बचा, पुट ऑल द वैल्यूज हियर, थीटा इक्वल्स टू टी बाई जी कॉन्स्टेंट रहा। अब देखो एल वन की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे टू एल दे रखी है, टू एल दे रखी है और डायमीटर डी दे रखा है, तो पुट ऑल द वैल्यूज हियर, टू एल दे रखा है, टू एल पुट कर दिया मैंने, जे वन की वैल्यू डी दे रखी है, तो हो गया आपका पाई बाई थर्टी टू डी की पावर फोर प्लस एल टू की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल दे रखी है और इसकी डायमीटर कितना दे रखा है, डबल दे रखा है, मतलब पाई बाई थर्टी टू इंटू टू डी की पावर फोर, ये आ गया आपके पास। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो थीटा इक्वल टू टी बाई जी, अब देखो ये 32 ऊपर पहुंचा दो और बाकी सब एक एल भी बाहर ले लिया मैंने, ठीक है एल भी बाहर ले लिया मैंने, एल भी बाहर ले लिया, अब आपके पास देखो फटाफट क्या बच रहा है, आपके पास देखो यहाँ पे बच रहा है आपके पास में टू टू इंटू थर्टी टू अपॉन पाई डी फोर प्लस थर्टी टू अपॉन पाई इंटू सिक्सटीन डी की पावर फोर, ये बच रहा है आपके पास। फर्दर सॉल्व करते हैं, पाई बाई थर्टी टू डी की पावर खोल कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास थर्टी टू टी एल अपॉन पाई जी डी की पावर फोर कॉमन ले लिया मैंने, तो आपका यहाँ पे कितना बचा सिर्फ टू बचा और यहाँ पे कितना बचा आपके पास में वन अपॉन सिक्सटीन बचा सिर्फ, ये बचा आपके पास वन अपॉन सिक्सटीन बचा आपके पास, ठीक है ये वाली बात समझ में आ रही है। अब देखो फटाफट थीटा इक्वल टू थर्टी टू टी एल अपॉन पाई जी डी की पावर फोर, ये इतना आ गया और ये आपके पास में कितना बचा टू प्लस वन अपॉन सिक्सटीन, एलसीएम ले लो इसका, तो आपके पास में बचा थर्टी टू टी एल अपॉन पाई जी डी की पावर फोर थर्टी टू प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्सटीन, तो आपके पास में बचेगा थर्टी टू इंटू ऑफ थर्टी थ्री इंटू टी एल अपॉन पाई जी सिक्सटीन पाई जी डी की पावर फोर, सिक्सटीन से आपका टू टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा टू इंटू थर्टी थ्री इंटू टी एल अपॉन पाई जी डी की पावर फोर, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा सिक्सटी सिक्स टी एल अपॉन पाई जी डी की पावर फोर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द ट्विस्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द ट्विस्ट, थीटा इज इक्वल्स टू 66 टी एल अपॉन पाई जी डी की पावर फोर। सो विच वन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन इज द राइट आंसर, यू कैन डायरेक्टली सी द ऑप्शन डी, यस यस मनीष कुमार जी बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट जल्दी से देखिए यहां तक सबको क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव,
क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि अ बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज क्लैंप्ड एट एंड्स पी एंड क्यू एज शोन इन द फिगर। देखो आपका ये क्लैंप किया हुआ है क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का क्लैंप किया हुआ है एट द एंड्स पी एंड क्यू, पी पे और क्यू पे, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। ए टॉर्जनल मोमेंट टी इक्वल्स टू 150 न्यूटन इंटू मीटर, ये टी आपका जो टॉर्क लग रहा है इस पे वो दिया हुआ है 150 न्यूटन इंटू मीटर, इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मिलीमीटर फ्रॉम एंड पी। द टॉर्जनल रिएक्शंस टी पी एंड टी क्यू इन न्यूटन मीटर एट द एंड्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे आपको बड़ा समझने वाली बात है, एक टॉर्क लग रहा है, एक टॉर्क लग रहा है, एक टॉर्क लग रहा है मिड ऑफ द, मिड पे नहीं है, मतलब इन बिटवीन द पी एंड क्यू, इन बिटवीन द पी एंड क्यू टॉर्क लग रहा है आपका, टॉर्क लग रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रिएक्शन लग रहे होंगे, यहाँ पे रिएक्शन लग रहे होंगे, यहाँ पे आपके रिएक्शन लग रहे होंगे, ठीक है। मुझे डायरेक्शन पता नहीं है, मैंने आपको बस ऐसे ही बोल दिया अभी कि कुछ रिएक्शन लग रहे होंगे, मुझे डायरेक्शन पता नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं, मैंने आपको बस इतना ही बोल दिया है कि आपके इस तरीके से लग रहे हैं। क्योंकि देखो आपको पता है कि अगर मैं टॉर्क को अपने राइट हैंड साइड से शो करना चाहूँ तो कैसे होगा, ऐसे करके होगा, मतलब आपका मैं अगर इस टॉर्क को ऐसे दिखाऊँ तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, डबल एरो से दिखाते हैं टॉर्क को, ऐसे दिखा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अपोजिट साइड में रिएक्शन फोर्स मान लूँगा, अगर टॉर्क की बात चल रही है तो मैं जब क्या करता हूँ इसके नेट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करूँगा, मैं रिएक्शन फोर्स मान लूँगा, कौन सी रिएक्शन फोर्स, टॉर्क रिएक्शन फोर्स, क्योंकि और तो यहाँ पे कोई लोड ही नहीं है तो उसके लिए और तो कुछ आएगा नहीं, सेम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये भी ऐसे ही लगेगा, मुझे यही मानना पड़ेगा। क्या करूँगा, जो नेट आपका इफेक्टिव फोर्स लग रहा होता है, जो नेट इफेक्टिव टॉर्क लग रहा होता है, जो नेट इफेक्टिव बेंडिंग मोमेंट लग रहा होता है, कुछ भी लग रहा हो उसके आप अपोजिट डायरेक्शन मान लेते हैं। लेट्स से दिस इज द आर पी एंड दिस इज द आर क्यू। अब मैं रिएक्शन है तो इसलिए टॉर्क मान लेता हूँ यहाँ पे, चलो जिससे कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। लेट्स से दिस इज द टी टॉर्क एट पी एंड दिस इज द टॉर्क एट क्यू, ये मान लिया मैंने। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टी पी और टी क्यू इतने लगेंगे कि इसमें क्या नहीं होने देंगे, डिफ्लेक्शन नहीं होने देंगे। डिफ्लेक्शन, यहाँ पे डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट नहीं होने देंगे, यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट नहीं होने देंगे। तो आपको एक चीज़ देख के समझ में आ रही होगी कि ये जो टॉर्क है यही इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा, तो मतलब आप कह सकते हो कि टी पी प्लस ऑफ टी क्यू इज इक्वल टू टी, टी पी प्लस टी क्यू इज इक्वल टू टी। दिस इज आर इक्वेशन नंबर वन, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको क्या है, आपको पता क्या होना चाहिए, एक और चीज़ आपको पता है कि थीटा इन पी प्लस, ये पी से मान लो आपका ये पी क्यू है, लेट से दिस पॉइंट को मैंने मान लिया कुछ एक्स पॉइंट मान लिया यहाँ पे, तो थीटा इक्वल्स टू पी एक्स प्लस थीटा इन टू एक्स क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। थीटा इक्वल टू पी एक्स प्लस थीटा एक्स क्यू, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का थीटा जो डिफ्लेक्शन आ रहा होगा और यहाँ से यहाँ तक का लेके जो एंगल ऑफ ट्विस्ट डिफ्लेक्शन जो है वो उन दोनों का समीशन होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। और आप जानते हो कि थीटा पी एक्स में मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ ये वाली बात, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि जब थीटा ऑफ पी एक्स प्लस थीटा ऑफ क्यू एक्स, सॉरी एक्स क्यू, थीटा ऑफ एक्स क्यू इज इक्वल टू जीरो, और ये इसका मतलब क्या हुआ आपका, टी पी इंटू एल अपॉन जी जे। अब देखो यहाँ पे एक चीज, दोनों में ना तो केवल एल का फर्क है, एल का फर्क है आपका, लेकिन डायमीटर में कोई फर्क नहीं है, डायमीटर में कोई फर्क नहीं है, तो पुट ऑल द वैल्यूज हियर, तो यहाँ पे लिख दो एल वन या पी लिख दो यहाँ से पी एक्स प्लस टी। अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको टी, अब देखो इक्विलिब्रियम फोर्सेस में आओ और यहाँ से निकाल लो। देखो यहाँ पे तो आपको अगर इस सेक्शन को काट दूँ तो यहाँ से आपको पता चला सिर्फ टी पी लग रहा है, यहाँ से आप देखो सिर्फ टी पी लग रहा है, बट अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, यहाँ पे आके देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे जो आपका लग रहा है फोर्स, वो लग रहा है जो आपका टॉर्क लग रहा है वो लग रहा है आपका टी पी माइनस टी, टी पी माइनस टी। तो क्या करो, वही वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टी पी माइनस ऑफ टी, टी पी
माइनस ऑफ टी, और क्यू एक्स क्यू की वैल्यू आपको पता है कितना है एल, और एक्स क्यू की वैल्यू आपको पता है एल एक्स क्यू डिवाइडेड बाई जी जे। जे क्यों है, जे दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा बिकॉज ऑफ द सेम डायमीटर, ये आपको पता होना चाहिए जे बिकॉज ऑफ द सेम डायमीटर इट शुड बी इक्वल। तो अब आपको पता है कि जे ये वाला और ये वाला टर्म तो पूरा कैंसिल आउट ही हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो आपके पास में सिर्फ ये बचा टी पी, और एल की वैल्यू आपको यहाँ से दिख रही है, देखो एल पी की 100 है इसकी 200 है, पुट ऑल द वैल्यूज हियर, 100 प्लस टी पी माइनस ऑफ टी इंटू 200 इज इक्वल टू जीरो। मैं क्या करता हूँ इनको चेंज कर लेता हूँ, टी पी इंटू 100 इज इक्वल टू, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ दूसरी साइड ले जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ साइन चेंज कर दे रहा हूँ, टी माइनस टी पी इंटू 200 ये हो गया, और ये इससे कट हो गया आपका 2 times, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि टी पी इज इक्वल टू 2t माइनस ऑफ 2tp, और इसको आप कह सकते हो 3tp इज इक्वल टू 2t, और टी पी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2t upon 3, दिस इज योर टी पी इक्वल टू 2t upon 3, और टी की वैल्यू आपको देखो यहाँ गिवेन है, टॉर्क आपको गिवेन है कितना 150 न्यूटन इंटू मीटर का लग रहा है, तो पुट ऑल द वैल्यूज हियर, यार ये क्या हुआ गायब कैसे हो गया, ये आई थिंक इरेज दब गया, वापस आ सकता है क्या, वापस नहीं आ सकता, चलो दोबारा ही करते हैं फिर इसको, थीटा पी एक्स प्लस थीटा ऑफ एक्स क्यू इज इक्वल टू जीरो, और इसकी वैल्यू आपने लिखी टी पी एल पी एक्स अपॉन जी जे प्लस ऑफ टी पी माइनस ऑफ टी इंटू एल ऑफ एक्स क्यू अपॉन जी जे इज इक्वल टू जीरो, जी जे से जी जे कैंसिल हो गया, तो आपके पास में बचा टी पी इंटू ऑफ 100 इज इक्वल टू टी पी माइनस ऑफ टी इंटू माइनस का करो इसे 200, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में टी पी इक्वल टू आएगा, यहाँ से टी पी इक्वल टू आपका आएगा 2t upon 3, टी पी इक्वल टू आएगा 2t upon 3, और टी की वैल्यू आपको पता है कितनी है 150, तो टी पी इक्वल टू 2 into 150 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 5 आपको पता है कितना 50, तो आपका 50 हो गया, तो टी पी की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 100 newton into meter, 100 newton into meter, टी पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 newton into meter, ये आपको पता चल गया यहाँ से, ठीक है, ये वाली बात आपको पता चल गया कि टी पी की वैल्यू आपकी आ रही है 100 newton into meter, ठीक है। अब आपको जब टी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल लो, जो आप यहाँ पे लिख के आए थे टी क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है तो डायरेक्टली यहाँ से निकाल लो, तो देखो टी पी प्लस ऑफ टी क्यू इज इक्वल टू टी था, और टी पी की वैल्यू आपने निकाली है 2t upon 3 प्लस ऑफ टी क्यू माइनस ऑफ इक्वल टू टी, तो यहाँ से टी क्यू इज इक्वल टू टी माइनस 2t upon 3, तो ये आएगा आपका टी क्यू इक्वल टू टी अपॉन 3, तो पुट द वैल्यू ऑफ द टी दैट इज 150 न्यूटन इनटू मीटर डिवाइडेड बाय 3, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द टी क्यू इज द 50 newton into meter, टॉर्क कितना मिलेगा आपको 50 newton into meter, और इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे, इसमें आपसे पूछा है कि वॉट इज द टी पी एंड टी क्यू, तो ऑरिजिनल रिएक्शंस कितनी होंगी पी एंड क्यू पे, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो पी पे कितनी आई है आपकी 100 आई है, क्यू पे कितनी आई है आपकी 50 आई है, सो विच वन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, याद है सबको क्लियर है, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि आपका एक कंसीडर अ स्टेप शाफ्ट सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट, यहाँ पे भी एक ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, वो लग रहा है इस पे, यहाँ पे 10 न्यूटन इनटू मीटर अप्लाइड एट बी एज शोन इन द फिगर, अज्यूम शेयर मॉड्यूलस इज 77 गीगा पास्कल
द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द पॉइंट सी इन डिग्री इज, सी पर आप एंगल ऑफ ट्विस्ट बता दीजिए, सी पर आप एंगल ऑफ ट्विस्ट बता दीजिए, इतना आपसे पूछा जा रहा है। और ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर और डिग्री में बताना है आपको, डिग्री में बताना है, सी पे आपको क्या बताना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट बताना है। तो आपको देखो एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे कोई भी लोड तो है नहीं, यहाँ पे कोई भी लोड तो है नहीं, तो इसका मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा जिसकी वजह से इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा। तो आप देखो एक बात सुनो ध्यान से कि जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास स्टेप शाफ्ट है, ये मेरे पास स्टेप शाफ्ट है, अगर मैं इसको यहाँ से ट्विस्ट करूँ, अगर मैं इसको यहाँ से ट्विस्ट करूँ तो यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। लेकिन अगर मान के चलो कि मैं लोड इसको यहाँ से लगाऊँ, यहाँ से लगाऊँ, तो जितना आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट यहाँ पे होगा उतना ही इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट यहाँ पे होगा, उतना ही एंगल ऑफ ट्विस्ट यहाँ पे होगा। तो आप देखो यहाँ पे कह सकते हो कि इन बीसी शाफ्ट देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क सो दैट थीटा बी इज इक्वल टू द थीटा ऑफ सी। जो बी पर होगा वही आपका सी पर होगा, जो आपका बी पर होगा वही आपका सी पर होगा, ये आपको पता है। और बी पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, बी पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो फटाफट निकाल लो थीटा ऑफ सी इक्वल टू थीटा ऑफ बी, और वो कितना होगा, वो होगा आपका टी एल बाई जी जे, ये होगा टी एल बाई जी जे, ये होगा आपका। और आपको देखो यहाँ से देख के पता चल रहा है कि टी की वैल्यू आपको कितनी दी है, 10 न्यूटन इंटू मीटर, 10 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। और जी इसमें किसका लगेगा, जी आपको दिया हुआ है, दोनों का सेम ही है, 77 गीगा पास्कल। लेकिन यहाँ पे जो जे लगेगा वो इसका नहीं लगेगा, वो इस वाले का लगेगा, क्योंकि टॉर्क इस कंडीशन पे लग रहा है, तो टॉर्क जिसका लगेगा उसी का आपको लगाना पड़ेगा जे। तो फटाफट देखो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। टॉर्क आपको गिवन है, कितना गिवन है आपको, 10 न्यूटन इंटू मीटर, तो 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर दिया है ना, 10 न्यूटन इंटू मीटर दिया है, तो ठीक है मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, क्योंकि सारी डेटा हम उसी में ले रहे हैं। 10 इंटू 10^3 ये आपका हो गया न्यूटन इंटू मिलीमीटर। एल की वैल्यू आपको गिवन है, एल की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 500 मिलीमीटर, ठीक है। अब फटाफट देखते हैं, अब फटाफट देखते हैं जी की वैल्यू, जी की वैल्यू आप कितनी जानते हो, 5/32। अब देखो यहाँ पे जो डी लगाना पड़ेगा आपको वो ये लगाना पड़ेगा, ये नहीं लगाना पड़ेगा, डी आपको ये वाला लगाना पड़ेगा। तो कितना लगाना पड़ेगा, 20^4, ये आपका हो गया, इंटू जी की वैल्यू आपको गिवन थी कितनी, गिवन थी 77 इंटू गीगा पास्कल दिया था, मैंने मिलीमीटर में सारी चीज़ें चेंज की हुई हैं, तो 77 न्यूटन पर मिलीमीटर इसका लगाना पड़ेगा, तो 77 इंटू 20^3 हो गया। सॉल्व करो इसको, तो 10 × 10^3 इंटू 500 इंटू 32 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 20^4 इंटू 77 इंटू 10^3, ठीक है। 10^3 से 10^3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से 20 का होगा तो ये 1600 आपका ये आ जाएगा, 16 × 10^4 जैसे 2030 ये वाली कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास में बचेगा 10 × 500 × 32 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 16 × 10^4 इंटू ऑफ 77। 10^4 से आपके ये 20 कैंसिल हो गए, ये वाले 30, और 16 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया, और 2 से आपका ये 5 कैंसिल हो गया, और 5 से आपका ये 5 कैंसिल हो गया, मतलब आपके पास में बचा 1/π × 77। और जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 4.133 89 46 × 10^-3। बट ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी रेडियंस में, ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी रेडियंस में, और आपसे आंसर जो पूछा गया है, आपसे जो आंसर पूछा गया है डिग्री में, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कोई बता सकता है, अगर मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, फटाफट बताओ कोई, अगर मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 180 / π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 / π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
और जब मैं इसको 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करूँगा ये 10^-3 डिग्री। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 4.134 × 180 ठीक है। इसके लिए आपके पास में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास में 0.2368 डिग्री। सो विच वन इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6? आंसर तो गिवन नहीं है यहाँ पे, आपको वैल्यू पुट करनी है डिग्री में, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 0.2368, क्योंकि इन्होंने डिग्री में पूछा था। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे लेकिन आंसर किस में निकाल के रखाएंगे, डिग्री में नहीं रेडियन में निकाल के रखाएंगे, जबकि उसने स्पेसिफाई किया है कि ही वॉन्ट्स एन आंसर इन द डिग्री, ही वॉन्ट्स आंसर इन द डिग्री। तो ये चीज़ सबको समझ में आ गई, ये चीज़ सबको समझ में आ गई। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो कोई मुझे बताइए कि 7 क्वेश्चन कैसे होगा। टू शाफ्ट हैं ए बी और बी सी हैं ऑफ इक्वल लेंथ एंड डायमीटर डी एंड 2D आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। टू शाफ्ट्स हैं आपकी ए बी एंड बी सी ऑफ इक्वल लेंथ एंड डायमीटर डी एंड 2D आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, दे आर जॉइंड एट बी थ्रू अ शाफ्ट कपलिंग। एक शाफ्ट कपलिंग से ये क्या कर दिए, दोनों शाफ्ट को इन्होंने जॉइंट कर दिया है, ठीक है। वाइल द एंड्स ए एंड सी आर बिल्ट इन, बिल्ट इन का मतलब समझो, बिल्ट इन का मतलब होता है आपका फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब रिजिड, फिक्स्ड मतलब आपका रिजिड, ठीक है। कैंटिलीवर्ड अ ट्विस्टिंग मोमेंट टी इज अप्लाइड टू द कपलिंग इफ टी ए एंड टी सी रिप्रेजेंट द ट्विस्टिंग मोमेंट एट द एंड्स ए एंड सी रिस्पेक्टिवली देन। तो टी ए और टी सी में आपको बताना पड़ेगा। तो आपको देखो, हमेशा से मैंने एक चीज़ समझाई है, यहाँ पे देखो, जब ये वाली बात है, जब ये कपलिंग यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे आप कोई टॉर्क लगा दो, तो देखो आपका क्या होना चाहिए, आपको जो दोनों शाफ्ट हैं इनकी लेंथ सेम दी हुई है, डायमीटर इनका डिफरेंट दिया है, जब आप इनको टॉर्क दोगे, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इनके लिए जो थीटा की वैल्यू होगी दोनों के लिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोनों के लिए, सेम होनी चाहिए, तभी ये चीज़ आपकी एग्जीक्यूट कर पाएगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगी। तो फटाफट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इनके लिए मेरी कंडीशन होगी ये वाली कि एंगुलर डिफ्लेक्शन इन बोथ शाफ्ट्स शुड बी सेम। मतलब मैं क्या कहूँगा, थीटा ऑफ ए बी इज इक्वल टू द थीटा ऑफ बी सी, ये होना चाहिए, थीटा ऑफ ए बी इक्वल टू थीटा ऑफ बी सी। और आप जानते हो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी एल बाई जी जे ऑफ ए बी इज इक्वल टू टी एल बाई जी जे ऑफ बी सी, ये कह सकता हूँ मैं। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो आप लिख सकते हो टी ऑफ ए बी एल, यहाँ पे देखो इसने नाम दिया था टी ए बी को, क्या बोला है, टी ए बोला है उसको, इसको बोला है टी ए और उसको बोला है टी सी, ठीक है। तो फटाफट हम इसको करते हैं, देखो इसने इसको बोला हुआ है तो हम उसको वही नाम लेते हैं, टी ए बोला है इसको, इसको बोलना पड़ेगा आपको एल ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई जी, आपको सेम दिया हुआ है और J आपको चेंज हो जाएगा तो J ऑफ AB इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको पता है C लगेगा तो T ऑफ C L ऑफ BC डिवाइडेड बाई G और J ऑफ BC, ठीक है। G से G कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा टी ए एल ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई जे ऑफ ए बी इज इक्वल टू टी ऑफ सी एल ऑफ़ B
BC डिवाइडेड बाई J ऑफ BC, ये बचेगा आपके पास। फटाफट देखो यहाँ पे कि जो इसकी डायमीटर है वो D है और इसका है 2D, और L दोनों का क्या है, सेम है। तो फटाफट देखो TA इंटू L, और इसकी वैल्यू, J की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, पाई बाई 32 इंटू D की पावर 4 इज इक्वल टू टी ऑफ सी इंटू एल अपॉन पाई वाई 32 इंटू 2D की पावर 4। ये आएगा आपके पास। अब देखो एल से तो एल कैंसिल हो गया और पाई वाई 32 से पाई वाई 32 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा टी ए अपॉन डी की पावर 4 इज इक्वल टू टी सी अपॉन 16 डी की पावर 4। डी की पावर 4 से डी की पावर 4 कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास में डायरेक्टली पता चल जाएगा टी सी इक्वल टू 16 टी ए, मतलब जो आपका टॉर्क होगा सी पर वो 16 टाइम होगा किसके, ए पर टॉर्क के। सो विच वन इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, सी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक क्लियर है, सी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। यू कैन गो डायरेक्टली विद दैट आंसर, दैट सी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। आप डायरेक्टली जा सकते हैं इस आंसर तक बिना किसी प्रॉब्लम के, कुछ भी आपको करना नहीं है, आप डायरेक्टली बस सिर्फ आपको फॉर्मूले रखने हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे, अ टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन इंटू मीटर इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्टेप शाफ्ट एज शोन इन द फिगर, द टॉर्जनल स्टिफनेस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ लेंथ MN, NO एंड OP आर 20 न्यूटन इंटू मीटर पर रेडियन, 30 न्यूटन इंटू मीटर पर रेडियन एंड 60 न्यूटन इंटू मीटर पर रेडियन रेस्पेक्टिवली। द एंगुलर डिफ्लेक्शन बिटवीन द एंड्स M एंड P ऑफ द शाफ्ट, आपको बताना है टोटल इनका थीटा, टोटल आपको इनको बताना है थीटा, ठीक है। तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए, थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले तो इन्होंने बोला है आपसे जो चीज़, इन्होंने बोला है टॉर्जनल स्टिफनेस की बात की है। तो टॉर्जनल स्टिफनेस को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली होती क्या है टॉर्जनल स्टिफनेस। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी GJ/L, टॉर्जनल स्टिफनेस ऑफ GJ/L होती है किसी के लिए भी, टॉर्जनल स्टिफनेस आपकी क्या होती है, GJ/L। तो आपको यहाँ पे हर एक के लिए दी हुई है, हर एक के लिए इन्होंने दे रखा है GJ/L, किस किस के लिए दे रखा है, MN के लिए दे रखा है, NO के लिए दे रखा है, OP के लिए दे रखा है। सबसे पहले आपको MN के लिए लगाना है, तो फटाफट देखो कितनी है, GJ/L ऑफ MN इज इक्वल टू, फिर आपका दिया हुआ है GJ/L ऑफ NO, ये आपको बताना है, दिया हुआ है आपको सॉरी, और GJ/L ऑफ OP, ये भी आपको गिवन है। ये आपको देखो फटाफट कितनी कितनी वैल्यू गिवन है, आपको गिवन है आपको 20, 30 और 60। तो फटाफट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 20, 30, 60। आपको डायरेक्टली देख के पता चलना चाहिए 20, 30, 60, और T की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन इंटू मीटर, और ये थ्रू आउट द लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, थ्रू आउट द लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू टी, ऐसे लिख दो टॉर्क इज इक्वल टू टी, जो कि थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट रहेगा। इसकी यूनिट आपको लिख दो न्यूटन इंटू मीटर पर रेडियन, अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो सुनो, वो आपसे पूछ रहा है कि भैया आप एंगुलर डिफ्लेक्शन बता दो M से लेके P तक का, एंगुलर डिफ्लेक्शन बता दो P तक का। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये वाली बात लिख सकते हो कि थीटा ऑफ M से लेके P तक का बताना है आपको, तो आप कह दोगे थीटा ऑफ MN प्लस थीटा ऑफ NO प्लस थीटा ऑफ OP, ये कह सकते हो आप। और आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो TL बाई GJ ऑफ MN प्लस TL बाई GJ ऑफ NO प्लस
TL by GJ of OP, ये लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो आप डायरेक्टली, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करो तो आपके पास में पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, T कॉमन ले लो, आप सब में से T कॉमन ले लो क्योंकि कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ। तो आपके पास में क्या बचेगा, L अपॉन GJ ऑफ MN प्लस L अपॉन GJ ऑफ NO प्लस L अपॉन GJ ऑफ OP, यही आपके पास बचेगा सिर्फ, यही आपके पास बचेगा सिर्फ। और आप देखो ये जी एल अपॉन जी जे है और ये जी जे अपॉन एल है, मतलब आप इसको अपॉन में लिख सकते हो, तो मतलब आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, टी इक्वल टू सॉरी थीटा इक्वल टू, थीटा इक्वल टू आप कह सकते हो इसको टी अपॉन में वन अपॉन कितना है इसके लिए 20 प्लस वन अपॉन 30 एंड प्लस वन अपॉन 60, ठीक है। टी की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है टी की वैल्यू आपको, सबको पता होनी चाहिए कितनी गिवन है, 10। और इसका क्या करो, एलसीएम ले लो, इसको क्या करो एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ जाएगा इसका 60, ये आपका हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया आपका। आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू ये 3 टू 5 और 2 6 डिवाइडेड बाई 60, ये आपको पता चल गया। तो ये आपका 6 से 10 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये 10 से 1 टाइम कैंसिल हो गया, मतलब आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि थीटा इक्वल टू 1.0 रेडियन, थीटा इक्वल टू 1.0 रेडियन। और इसमें क्या खूबसूरती है, इस क्वेश्चन में जो आंसर आपसे पूछा गया है वो रेडियन में ही पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे जो आंसर पूछा गया है वो रेडियन में ही पूछा गया है। तो आप डायरेक्टली बिना किसी से डरे हुए, बिना कुछ परेशान हुए डायरेक्टली कह सकते हो कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। बिना किसी प्रॉब्लम के आप डायरेक्टली ये आंसर दे सकते हो कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द कंपाउंड शाफ्ट शोन इन बिल्ट इन दीज टू एंड्स, इट इज सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट टी एट द मिडल, वॉट इज द रेशियो ऑफ द रिएक्शन टॉर्क T1 एंड T2 एट द एंड्स। आपको वही है सेम तरीके का क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी अलग से नहीं पूछा है कि आपको देखो एक शाफ्ट दी हुई थी, ये देखो ये आपको शाफ्ट दी है, ये हुआ 2D, ये हुआ आपका डायमीटर D, ठीक है, ये हुआ 2D, ये हुआ D, ठीक है, ये आपको डायमीटर पता चल रहा है, लेंथ भी दे रखी है इसकी, ये दे रखा है L एंड दिस वुड बी आल्सो L, ठीक है, ये आपका L हो गया, ये आपका ये भी L हो गया, ये आपका डायमीटर D हो गया, ये आपका 2D हो गया, 2D हो गया। अब इसने कहा कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका एक लग रहा है टॉर्क T करके, एक आपका लग रहा है टॉर्क T करके, और आपसे कहा कि इस टॉर्क को रिवर्ट एक आपको टॉर्जनल रिएक्शन लग रही है जो यहाँ पे ऐसे लगेंगी, और ये आपकी है T1 और ये है आपकी T2, ये आपका है T1 और ये है आपका T2, इस तरीके से आपके रिएक्शन लग रहे हैं, ये T1 है और ये आपका T2 है, ये आपका T1 है और ये आपका T2 है, ये आपका T2 है, इस तरीके से दो रिएक्शन लग रहे हैं यहाँ पे, एक T1 लग रहा है एक T2 लग रहा है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। फिर वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कुछ ऐसा कि आप इनका रेशियो बता दो, तो आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आप यही कहोगे कि एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ बोथ शाफ्ट शुड बी सेम, ये आप कहोगे, ये आप कहोगे क्या कहोगे कि
कि एंगल ऑफ बोथ शाफ्ट शुड बी सेम। तो मैं इसको मान लेता हूँ लेट से ए, इसको मान लेता हूँ बी और इसको मान लेता हूँ सी। कुछ भी नहीं दिया तो मैंने मान लिया, तो मतलब मैं यहाँ पे माना है ए, यहाँ पे माना हुआ है बी और यहाँ पे माना हुआ है सी। तो आप कह सकते हो कि थीटा ऑफ ए बी इज इक्वल टू थीटा ऑफ बी सी, थीटा इक्वल टू ए बी इक्वल टू थीटा ऑफ बी सी, ये आपको पता होना चाहिए। और आप यहाँ से कह सकते हो थीटा की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है आपकी, टी टी वन, इसमें आपको टी वन लगेगा एल ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई जी जे ऑफ ए बी, जी कॉन्स्टेंट है दोनों के लिए। आप इसको कह सकते हो टी टू अपॉन एल ऑफ बी सी अपॉन जी जे ऑफ बी सी, ये आपका होगी। जी से जी आपको दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एल ए बी एल बी सी भी अगले स्टेप में कट करता हूँ जिससे कि कन्फ्यूजन ना रहे कि टी वन इसकी वैल्यू है आपके पास एल और इसकी वैल्यू है आपके पास में जे ए बी इज इक्वल टू टी टू, दिस इज ऑल्सो एल एंड जे ऑफ बी सी, मतलब एल से एल भी कैंसिल आउट हो गया आपका। आपके पास में जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ बचेगा टी वन अपॉन जे ऑफ ए बी इज इक्वल टू टी टू अपॉन जे ऑफ बी सी, ये आपको समझ में आना चाहिए। आप क्या करो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टी वन अपॉन जे ऑफ ए बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, पाई बाई 32 डी की पावर 4, ये आपको दिख रहा है। टी टू की वैल्यू पुट करो यहाँ से, टी टू ही रहेगा, जे ए बी की वैल्यू पुट करो पाई बाई 32 इंटू यहाँ पे 2d है 2d की पावर 4, ये पाई बाई 30 से पाई बाई 32 हो गया कैंसिल। तो आपके पास बचा टी वन अपॉन डी की पावर 4 इज इक्वल टू टी टू अपॉन 16d की पावर 4, डी की पावर 4 से डी की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा टी वन इज इक्वल टू टी टू अपॉन 16, टी वन इक्वल टू टी टू अपॉन 16, टी वन अप इक्वल टू टी टू अपॉन 16। तो यहाँ से जब भी कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि वॉट इज द रेशियो ऑफ द टी वन अपॉन टी टू, देन यू कैन डायरेक्टली सेट दैट इट इज़ 1/16, इट इज़ 1/16। और यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आप आंसर देखिए तो आपको यही मिलेगा कि टी वन और टी टू का आपको रेशियो ही पूछा गया था, रेशियो ही पूछा गया था, और वो आपका कितना आ रहा है 1/16। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 द ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। आप बिना किसी प्रॉब्लम के डायरेक्टली ये वाली बात कह सकते हैं कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन का क्या मतलब है फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आ हॉरिजॉन्टल बार विद अ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग एज शोन इन द फिगर, द यंग्स मॉड्यूलाई फॉर द सेक्शन ए बी एंड बी सी इज इक्वल टू 3e एंड e रेस्पेक्टिवली, फाउंड द फॉर द डिफ्लेक्शन एट सी टू बी 0 द रेशियो ऑफ पी एंड एफ। देखो एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे पी और एक फोर्स लग रहा है आपका एफ, लेकिन ये कह रहा है कि इन फोर्स को ऐसे लगाओ कि ये शाफ्ट आपकी यहाँ से ना तो कंप्रेशन यहाँ ना तो इधर जानी चाहिए ना इधर जानी चाहिए, इसी पोजीशन पे बनी रहे। मतलब क्या हो, डिफ्लेक्शन शुड बी 0 एट द पॉइंट सी, डिफ्लेक्शन शुड बी 0 एट द पॉइंट सी। तो देखो फटाफट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये आपकी शाफ्ट है, ये रिजिड है यहाँ से कैंटिलीवर की तरीके से, ये आपकी शाफ्ट है, ठीक है। एक इस पे उठा के यहाँ पे सेक्शन कटा हुआ है, इस सेक्शन को इन्होंने माना हुआ है, क्या माना हुआ है इस सेक्शन को इन्होंने, इसको तो माना है जो फिक्स पॉइंट है उसको माना हुआ है ए, इसको क्या माना है, इसको माना है बी, इसको क्या माना है, इसको माना है सी, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि इसकी यंग्स मॉड्यूलाई है 3e और इसका यंग्स मॉड्यूलाई है आपका सिर्फ e। फिर इन्होंने जो एक स्पेशल बात कही है वो इन्होंने कहा है कि इस पॉइंट पर तो एक फोर्स लग रहा है कंप्रेसिव, दिस इज कॉल्ड p, और यहाँ पे आपको एक फोर्स लग रहा है जो कि लग रहा है आपका f, जो कि लग रहा है आउटसाइड, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि इनकी जो लेंथ है वो दोनों की क्या है, सेम है, इसकी भी l लेंथ है और इसकी भी आपकी l लेंथ है, ये इन्होंने कह दिया पहले से, इसकी भी एल लेंथ है, इसकी भी एल लेंथ है। आपको इन्होंने फिर कहा
कि आपको इन्होंने एक चीज़ और कही जो क्वेश्चन की मेन कंडीशन है कि डेल्टा एल एट सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जो आपका डिफ्लेक्शन होगा वो आपका ज़ीरो होगा सी पॉइंट पर, डेल्टा एल सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपको डेल्टा लिखना है तो डेल्टा लिखो, और अगर आपको डेल्टा ये वाला नहीं समझ में आता है, कुछ लोगों को डाउट हो रहा हो अगर, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपकी जो इच्छा हो आप वो लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे लिखना चाहो वो लिख लो। आप इसको लिख सकते हो डेल्टा एल एट सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जो डिफरेंस है वो भी ज़ीरो ही है। डेल्टा का मतलब वही है, वो छोटे फ्रैक्शन के लिए होता है, और ये आपका दोनों ही, तो ये आपको बस यहाँ से बेसिक समझ में आना चाहिए। तो डेल्टा एल ऑफ सी की अगर बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा एल ऑफ सी का मतलब क्या होगा, डेल्टा ऑफ एल ऑफ ए बी प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी, ये आपको पता होना चाहिए, इतना होगा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपको पता होना चाहिए। अब फटाफट देखो ए बी के लिए, देखो ए बी के लिए अगर आप लोड देखोगे और बी सी के लिए लोड देखोगे, तो बी सी के लिए तो आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ एक लोड, क्या दिखेगा आपको, एफ दिखेगा। बी सी के लिए अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक लोड दिखेगा, और ए बी के लिए दिखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा एफ माइनस पी, एफ माइनस पी, हम मान के चल रहे हैं एफ बड़ा है, ठीक है। तो आपको एल ए बी के लिए निकालना है, तो आपके लिए क्या होगा एफ माइनस पी, और एल ऑफ ए बी की लेंथ आपको पता है कितनी है, एल डिवाइडेड बाई, चलो ऐसे नहीं, मैं एक काम करता हूँ जिससे कि बिल्कुल भी डाउट ना रहे, पी एल बाई ए ई ऑफ ए बी प्लस पी एल बाई ए ई ऑफ बी सी इज इक्वल टू, एक स्टेप और बढ़ा दिया, एक स्टेप और बढ़ा दिया, कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज यहाँ पुट करो। पी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे कितनी आएगी, एफ माइनस ऑफ पी, एल की वैल्यू एल, एरिया आपका कांस्टेंट है, बट ई जो है आपका वो यहाँ पर थ्री ई है, थ्री ई है, प्लस यहाँ पे आपको पता है सिर्फ लोड होगा एफ, एल आपको पता है लेंथ आपकी होगी जो कि कांस्टेंट है, एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का डायमीटर सेम है, और यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है आपका ई, सिर्फ और सिर्फ ई। तो देखो आपको यहाँ से क्या करना है, इसको उस साइड भेज दो, तो आपके पास में बचेगा एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू ई, और ये चलेंगे तो साइन हो जाएंगे चेंज इसके, तो आएगा P माइनस एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू थ्री ई, ठीक है। A से A कैंसिल आउट कर दो, E से E कैंसिल आउट कर दो, L से L कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास बचेगा F इंटू थ्री इज इक्वल टू P माइनस एफ, ये आएगा आपके पास, और आप इसको यहाँ से P से जो लिख सकते हो तो वो आपके पास आएगा थ्री एफ, और ये P इधर पहुँचा दोगे तो आपके पास आएगा कितना F, ये आएगा आपके पास, और आप इसको क्या लिख सकते हो, P इक्वल टू फोर एफ, ये लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो आप, और यहाँ से आपसे जो रेशियो पूछा गया था वो आपसे P अपॉन F का पूछा गया था, आपसे जो रेशियो पूछा गया था वो P अपॉन F का रेशियो पूछा गया था, जिसकी वैल्यू आएगी चार, फोर। सो फोर इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन की जो आंसर आएगा, P अपॉन F का रेशियो पूछा है आपसे, P अपॉन F का रेशियो पूछा है आपसे, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली पता चलना चाहिए कि P अपॉन F का रेशियो है आपका 4, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हो कि आपका आंसर आएगा 4। विच वन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10, 4। और बच्चों को ये बात याद रखनी चाहिए कि जब क्वेश्चन दिया जा रहा है तो बड़ा ध्यान से पढ़ो, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आप यहाँ पे P अपॉन F की जगह पे F अपॉन P निकाल के चले आए, जो कि आपका आ रहा होगा 0.25। और 20-30% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जब आप देखोगे, जब आपकी एनालिसिस करोगे आप पेपर की, तो आपको 20-30% ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो इसका आंसर 0.25 पुट करके आए। तो क्या करना है, आपको वो वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपको वो वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपको बड़ा याद रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहली जो कीमती चीज़ है वो यही है कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। जब तक वो नहीं देखोगे तब तक सारा कुछ सॉल्व करने का, सारा कुछ क्वेश्चन करने का कोई भी मतलब नहीं है। जब तक आपको ये वाला बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपके लिए सारी चीज़ें क्या हैं, बेकार हैं, तब तक आपके लिए क्या है, सारी चीज़ें क्या हैं, बेकार हैं। तो आपको ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली समझनी चाहिए कि अगर आपको जब भी क्वेश्चन करना है तो आपको उसको परफेक्टली आंसर देना है, आपको उसको परफेक्टली आंसर देना है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अ स्टेप्ड स्टील शाफ्ट शोन बिलो इज सब्जेक्टेड टू 10 न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क, 10 न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क लग रहा है इस शाफ्ट पे। इफ़ द मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी
इज 80 गीगा पास्कल शेयर मॉड्यूलस, और जी आपको जो शेयर मॉड्यूलस होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होती है वो दिया हुआ आपको 80 गीगा पास्कल। द स्ट्रेन एनर्जी इन द शाफ्ट इन न्यूटन इनटू मिलीमीटर इज, आपको बताना है यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी इसकी, आपको क्या बताना है स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी इसकी। तो फटाफट देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा तो दिया ही नहीं है, सिंपल सी बात है आपको बताया जा चुका है कि आपको एक शाफ्ट दी गई है, ये आपको एक शाफ्ट दी गई है। देखो डेटा क्या क्या गिवन है इसमें, 50 मिलीमीटर 25 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर और 10 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो 10 न्यूटन इंटू मीटर का तो लग रहा है इस पर टॉर्क, 100 मिलीमीटर है इनकी लेंथ, इसका डायमीटर दिया हुआ है 50 मिलीमीटर और वहीं इसका डायमीटर दिया हुआ है 25 मिलीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है स्ट्रेन एनर्जी, तो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी किसकी वजह से होगी, टॉर्क की वजह से होगी। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द टॉर्जन। अब देखो यहाँ पे इसने नेमिंग कुछ दे नहीं रखी है, तो मैं अपने आप नेम मान ले रहा हूँ इसको ए बी सी, ठीक है ये नेमिंग दे दी मैंने। तो फटाफट मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं इसको भी नेमिंग दे दे रहा हूँ ए बी सी। तो मतलब यू टॉर्जन का मतलब आप समझ में आएगा क्या होगा, यू ऑफ ए बी प्लस U of BC, ये पता चलेगा आपको U of AB is equals to U of BC, ये आपको U of torsion का मतलब पता चलेगा। और आप पता है torsion moment कितना होता है, जो torsion की वजह से strain energy होगी वो कितनी होगी, 1/2 T of AB theta of AB plus 1/2 T of BC theta of BC, इतनी होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और TAB तो कांस्टेंट रखो, तो 1/2 ये TAB तो आप कांस्टेंट रखो, और थीटा को आप क्या लिख सकते हो, GJ बाई L, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ क्या लिख सकते हो आप, L बाई GJ, देखो L बाई GJ लिख सकता हूँ मैं थीटा को, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा आपका है क्या है यहाँ पे, थीटा आपका एग्जैक्टली है क्या है, थीटा आपको क्या होता है TL बाई GJ होता है, TL बाई GJ ही तो होता है। तो फटाफट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसको, क्या आ जाएगा आपके पास में, टी ऑफ ए बी एल ऑफ ए बी अपॉन जी कॉन्स्टेंट है दोनों के लिए, तो जे ऑफ ए बी प्लस 1/2 टी ऑफ बी सी, टी ऑफ बी सी एल ऑफ बी सी अपॉन जी जे ऑफ बी सी, ये आ जाएगा आपके पास। इसको फर्दर सॉल्व करोगे अगर, तो आपके पास में डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि 1/2 इसको आप U टॉर्जन को लिखो डायरेक्टली, तो आप क्या लिखोगे, देखो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 1/2 टी स्क्वायर ऑफ ए बी एल ऑफ ए बी अपॉन जी जे ऑफ ए बी प्लस 1/2 टी ऑफ बी सी का स्क्वायर एल ऑफ बी सी अपॉन जी जे ऑफ बी सी, ये आएगा आपके पास। टोटल तो आपके पास में बस इतना ही आ रहा होगा, और आप देखो कि आपका जो टॉर्क है, वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लेंथ, तो आप यहाँ पे ये वाली बात लिख सकते हो कि टी ए बी इज इक्वल टू टी बी सी इज इक्वल टू टी, ये आप लिख सकते हो, पुट ऑल द वैल्यूज, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 1/2 टी स्क्वायर, एल की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है आपको 100 डिवाइडेड बाई जी जे ऑफ ए बी प्लस 1/2 टी स्क्वायर, ए बी 100 है आपको, डिवाइडेड बाई जी जे ऑफ बी सी, ये आपको पता चलेगा, जो जो कॉमन टर्म है वो कॉमन टर्म ले लो, बात खत्म करो। तो फटाफट आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 1/2 टी स्क्वायर इंटू 100 डिवाइडेड बाई जी, ये तो आपका कॉमन हो गया, ठीक है। आपके पास में क्या बचा, 1/j ऑफ ए बी प्लस 1/j ऑफ बी सी, ये आपके पास बचा, क्या करो इनकी वैल्यूज पुट कर दो, अब देखो तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 टी की वैल्यू आपको गिवन थी, कितनी गिवन है 10 न्यूटन इंटू मिलीमीटर में निकालो इसको, ये आपको गिवन है 10 न्यूटन इंटू मीटर में गिवन है, कैल्यू कन्वर्ट करो इसको, कितना करोगे
10 into 10 to the power 3 into 100 millimeter divided by g की value given है, g की value 77 given है, शायद 80 given है, तो आपको value put करनी पड़ेगी 80 into 10 to the power 3 newton per millimeter square हो गया। और आपको इसके बाद में यहाँ पे निकालनी पड़ेगी j की value। अब j की value आप कैसे निकाल सकते हो, आपकी कितनी होती है, पाई बाई 32 d की पावर 4 होता है, पाई बाई 32 d की पावर 4 होता है, यही होता है, तो आपके पास में आ जाएगा 32 अपॉन पाई और d की पावर 4, ab के लिए आपको पता है कितना है 50 का 4 प्लस इसके लिए आपको पता है कितना 32 अपॉन पाई इंटू 25 की पावर 4, ये आपके पास में टर्म आ जाएंगे, इतना आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की हैं वो आपकी सारी वैल्यूज़ आपने मिलीमीटर में रखी हुई हैं, सारी वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना आ रहा था, आपके पास में यूटी कितना आ रहा था, 1 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू कितना आ रहा था आपके पास में, 32 अपॉन पाई इंटू 50 की पावर 4 प्लस 32 अपॉन पाई इंटू 25 की पावर 4, ये आ रहा आपके पास, ठीक है। इसको जब आप सीधे सीधे सॉल्व करो, इसको 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल हो गया, 0 से आपका एक 0 ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से आपका ये 50 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये 25 आ गया आपके पास। अब इसको फर्दर जब पूरा सॉल्व करके इसको लेके आओगे तो आपके पास में जो आएगा वो आएगा आपके पास में 1.73 न्यूटन इंटू मिलीमीटर, जो आपके पास में टॉर्जनल स्ट्रेन एनर्जी आएगी इस टॉर्जन फोर्स की वजह से, इस टॉर्जन मोमेंट की वजह से, वो आपके पास आएगा 1.73 न्यूटन इंटू मिलीमीटर, 1.73 न्यूटन इंटू मिलीमीटर, सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू आएगी आपके पास में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द क्वेश्चन नंबर 11 यू विल गेट द ऑप्शन सी, 1.73 न्यूटन इंटू मिलीमीटर। विच वन इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज़ 1.73। आपको कुछ भी नहीं करना है इसको, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि टॉर्जन की वजह से स्ट्रेन एनर्जी होती कितनी है। और अगर इससे भी इजी करना है तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि आपके पास में अगर कांस्टेंट टॉर्जन मोमेंट लग रहा है, कांस्टेंट टॉर्जन लग रहा है, तो स्ट्रेन एनर्जी उसके केस में होती है टी स्क्वायर एल अपॉन जी जे, ये होती है 2gj, ये होती है आपके पास में, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास में यही होती है ना, टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2gj, और जो dx है, dx का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि t आपका कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, और वरना आप जानते हो कि स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है, 1/2 t θ, ये होती है। तो आपको चाहे जिस भी मेथड से करनी है आप उससे कर लो, अगर आपको ये वाली वैल्यू याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, और वरना किसी भी टर्म की स्ट्रेन एनर्जी यही तो होती है, आपकी फोर्स इंटू वर्क होता है, यही तो होता था, वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट यही तो होता था भैया। तो ये आपको पता चल गया। सो विच वन इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं और देखो क्या लिखा हुआ है कि अ सर्कुलर शाफ्ट शोन इन द फिगर इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्जन टी एट टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पर दो टॉर्जन मूवमेंट लग रहे हैं टी, द टॉर्जनल रिजिडिटी ऑफ पोर्शन सी ए एंड बी डी ए जी जे वन, किसके लिए, आपकी सी ए इसके लिए और आपका बी डी इसके लिए, एंड दैट ऑफ द पोर्शन ऑफ ए बी इज जी जे टू, इसके लिए अलग है टॉर्जनल रिजिडिटी और वो है आपकी जी जे टू। तो आपको ये सारे टर्म बेसिकली याद रखने पड़ेंगे, जैसे जब भी कभी आ जाए आपके पास में टॉर्जनल स्टिफनेस का मतलब क्या होता है तो आपकी वो होती है जी जे बाई एल, कभी आपसे कोई पूछ ले टॉर्जनल रिजिडिटी क्या होती है तो वो आपकी होती है जी जे, कभी कोई पूछ ले आपसे फ्लेक्सुलर रिजिडिटी कितनी होती है वो होती है आपकी ई आई, कभी आपसे कोई पूछ ले फ्लेक्सुलर आपकी स्टिफनेस कितनी होती है तो आप बता देंगे उसको ए ई बाई एल। तो ये वैल्यूज आपको बेसिकली याद होनी चाहिए, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट एट पॉइंट ए एंड बी आर q1 एंड q2, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर
रोटेशन दिया हुआ है उसने Q1 एंड Q2। द रोटेशन Q1 इज, रोटेशन Q1 आपका कितना होगा, रोटेशन Q1 आपका कितना होगा ये आपको बताना पड़ेगा, रोटेशन Q1 आपका कितना होगा ये बताना पड़ेगा। अब Q1 कहाँ पे आपका, ये है A पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको एक बात, सबसे अच्छी बात ये लगेगी यहाँ पे देख के कि ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल है, ये आपका जो स्टेप शाफ्ट दिया गया है, ये आपका जो सेटअप दिया गया है ये सिमेट्रिकल सेटअप है, सिमेट्रिकल सेटअप है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये आपका कैसा है तो आपको पता होगा कि ये आपका सिमेट्रिकल सेटअप है, सिमेट्रिकल सेटअप है जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। अब आपको बस क्या पता होना चाहिए, कभी भी आपसे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू Q1 है, जो Q1 है, जो इसकी वैल्यू होगी आपके पास में TL बाई GJ TL बाई GJ किसके लिए, आपका AC के लिए, ये होना चाहिए AC के लिए आपका इतना होना चाहिए। आप जब भी कर लोगे इसको तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ठीक। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इस पर सिमेट्रिकल है तो इस पर क्या हो रहा होगा, ये दोनों 2T लग रहा है, ये 2T लग रहा है दोनों के लिए, आपका 2T टॉर्क लग रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ से आपका एक टॉर्क लग रहा होगा, इस तरीके से आपको, ठीक है। आप इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि टोटल इसके लिए, आप देखो ये वाला आपको ऐसे दिख रहा है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर आप इसको लिखना चाहो तो देखो फटाफट, ये जो है क्वेश्चन, अब देखो इसमें ऐसे लिख रहा है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से देखो, लेफ्ट हैंड साइड से देखो, राइट एंड राइट रूल से, तो आपको पता चलेगा कि ये आपका इस तरफ से टॉर्क लग रहा है यहाँ पे, ये आपका टॉर्क ऐसे लग रहा है, सेम इस पे भी टॉर्क ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब ये लग रहा है तो आपको बताया था कि नेट इक्विवेलेंट जिस होता है, तो जब हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन जीरो होता है, जब रिजिड सपोर्ट होते हैं तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में मान लेते हैं, ये हो गया आपका TC और ये हो गया आपका TD। अब देखो अब तक जैसे मैं कैलकुलेट करते हुए आया हूँ, आप वैसे ही कैलकुलेट कर लेना, इसमें टोटल डिफ्लेक्शन होगा वो जीरो होगा, तो आप वैल्यू निकाल लोगे TC की, TC की वैल्यू निकाल लो, चाहे TD की निकाल लो, आप TC की निकाल लो, क्योंकि आपको TC वाले की जरूरत पड़ेगी, तो आप TC के टर्म में ले लो, आपके पास में डायरेक्टली वैल्यू पता चल जाएंगी, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि TC माइनस T अपॉन इतना करके डायरेक्टली, देखो अगर निकालना है तो डायरेक्टली निकाल लो अभी, देखो देखो ठीक है, फटाफट देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो तो आपको टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा, टोटल डिफ्लेक्शन इज जीरो, या आपका डिफ्लेक्शन होगा, आप जिसको ट्विस्टिंग बोलते हो वो जीरो होगा, यहाँ पे मैंने यही मान लिया है, तो आपको पता है क्या कितना होगा वो, थीटा ऑफ ये आपको AC है, ये AB है, ये BD है, तो आप यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू लिखो फटाफट, थीटा ऑफ CA प्लस थीटा ऑफ AB प्लस थीटा ऑफ BD दिस शुड बी जीरो, और आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये कितना होगा। आप देखो इस पे लोड कितना लग रहा था आपका, ये आपका जो लोड लग रहा था वो लग रहा था आपका TC, ये आपका जो लोड लग रहा है वो लग रहा है TC, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो TC बाई L अपॉन GJ ये आपको पता चल गया, क्योंकि इसमें देखो पूरी शाफ्ट कैसे है आपकी, यहाँ पे डायमीटर डिफरेंट डिफरेंट है, बट यहाँ पे आपका जो डायमीटर है वो दिया नहीं है, यहाँ पे जो डायमीटर है आपको वो दिया नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू इसकी पुट करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ से डायरेक्टली देखो तो TL बाई GJ 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका TC माइनस ऑफ TL बाई GJ ऑफ 2
plus t c minus of 2t into l upon g j 1 is equal to 0. ये होगा आपके पास. अब देखो आप यहाँ पे देखो, उसने एक बार भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं बोला कि जिससे कि आप इसके j का रिलेशन और इसके j का रिलेशन बता पाओ. कभी भी कहीं पे भी नहीं बोला उसने, कहीं पे भी बोला होता कि उसका डायमीटर पे क्या फ़र्क है जिससे आप j कैलकुलेट कर पाओ. आप कभी j कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर आप j कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उसमें फिर आपकी ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी. तो बच्चे क्या होते हैं, फिर छोड़ आते हैं इस क्वेश्चन को. छोड़ना नहीं है, सबसे बड़ी बात देखो कि ये जो शाफ्ट है ये आपकी सिमेट्रिकल शाफ्ट है. इसका मतलब यहाँ पे जो लोड लग रहा होगा, टी सी की जो वैल्यू होगी और टी डी की वैल्यू होगी, इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, टी और टी वैल्यू आएगी. क्योंकि टू टी को सेटिस्फाई कौन करेगा, टू टी ही करेगा, और दोनों तरफ सिमेट्रिकल लोड लगेगा, इसीलिए इनकी वैल्यू कितनी आएगी, आपकी टी टी ही वैल्यू आएगी. दोनों का, इनका भी समेशन टू टी होगा, इसका भी समेशन टू टी होगा. ये आपके टुवर्ड्स राइट वर्ड्स हैं, ये आपके टुवर्ड्स लेफ्ट वर्ड्स हैं, या फिर मतलब अगर मैं कहूँ तो ये आपके एंटी क्लॉक वाइज हैं और ये आपके क्लॉक वाइज लगेंगे. ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. तो इसका मतलब यहाँ सिमेट्रिकल से आपको पता चलेगा कि इसमें लोड कितना लगेगा, टी लगेगा. तो अब आपको पता चलेगा कि इसमें लोड कितना लगेगा, आपका टी लगेगा. आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इसमें लोड जो लगेगा वो कितना लगेगा, टी लगेगा. तो फ्रॉम सिमेट्री वी कैन डायरेक्टली सी the torque in CA section is T. इतना होगा. और आपसे क्या पूछा गया, थीटा ऑफ CA पूछा गया. आप क्या कह सकते हो, TL by GJ of CA. यही तो बात है आपकी, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो. आपको सारी वैल्यूज़ बताएं यहाँ से. तो देखो थीटा सी ए, टी की वैल्यू आपको पता चल गई टी है, एल की वैल्यू आपको पता है कितनी एल है, और इसके लिए आपको ये वाली वैल्यू पहले दी हुई थी, जी जे वन दे रखी थी. मतलब आप थीटा वन डायरेक्टली कह सकते हो कि टी एल अपॉन जी जे वन. सो आपका जो आंसर होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इट शुड बी टी एल बाई जी जे वन. सो विच वन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12? द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12. यू ऑल कैन गो डायरेक्टली विद दैट आंसर. जस्ट सी द सिमेट्री एंड आफ्टर दैट यू ऑल कैन इजिली विलिंग टू डू दिस क्वेश्चन. तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे कि अ स्टेप स्टील शाफ्ट शोन बिलो इज सब्जेक्टेड टू a 10 newton into meter torque if the modulus of rigidity is 80 gigapascal, the strain energy in the shaft. आपको इसकी स्ट्रेन एनर्जी बतानी है और कुछ भी नहीं करना है आपको. ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं क्या अभी? ऐसा क्वेश्चन हमने किया है क्या अभी? क्वेश्चन तो हमने कर लिया है सर. सेम क्वेश्चन था, हम कर चुके हैं इसको. चलिए ये फिर नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन है. सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं. कह रहा है कि अ ब्रास ऑफ स्टील सेक्शन is encased in a steel tube as shown in the direction below. देखो एक स्टील का है ये, इसमें encased कर दिया है, ब्रास वाला है, उसको स्टील से encased कर दिया गया है. The coefficient of expansion of steel is 11.2 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. जो अल्फा की वैल्यू है वो आपको स्टील के केस में इतनी दी गई है. And the coefficient of the expansion of the brass is 16.5 into 10 to the power minus 6.
इसकी वैल्यू आपको इससे थोड़ी ज़्यादा होती है, और ये जनरली आपको पता भी है कि ब्रास और कॉपर का आपका स्टील से ज़्यादा होता है एक्सपेंशन। द कंपोजिट बार इज हीटेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कंपोजिट बार को क्या किया गया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया गया। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझो इस बात को, देखो समझो क्या होगा, क्या होगा कि आपका ये आपके कंपोजिट शाफ्ट है। अभी तक कल हमने एक क्वेश्चन किया था जब हमने थर्मल स्ट्रेसेस की बात कर रहे थे, तो हमने उसमें आपका कंपोजिट शाफ्ट किया था, लेकिन वो आपका लेंथ वाइज था, वो क्या कर रहा था आपका लेंथ में एलोंगेट कर रहा था। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, कंपोजिट है, एक के ऊपर दूसरा है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए थी। अब आपको बस वहीं से क्वेश्चन समझना है, आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ से फटाफट समझो जो आपको कहा जा रहा है, बस उतना ही समझना है, इससे ज़्यादा आपको इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपको समझना है। ठीक है, तो देखो जब ब्रास होगा, जब ब्रास होगा आपके पास में, तो ब्रास का क्या है, अल्फा जो है, अल्फा ऑफ ब्रास इज ग्रेटर देन द अल्फा ऑफ द स्टील। ये आप सबको पता है, ये आप सबको पता है कि अल्फा ऑफ द ब्रास इज ग्रेटर देन द अल्फा ऑफ द ग्रास इज ग्रेटर देन द अल्फा ऑफ द स्टील, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब अल्फा ऑफ द ब्रास अगर ज़्यादा है अल्फा ऑफ स्टील से, मतलब आपका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा ब्रास का एज कम्पेयर टू स्टील के। अच्छा, अब स्टील का क्या है, थर्मल एक्सपेंशन कम है, स्टील का थर्मल एक्सपेंशन कम है, लेकिन ब्रास क्या है, ब्रास में आपका ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से ब्रास क्या करेगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा, ब्रास क्या करेगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा खींच नहीं सकता। तो आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि फिर इसका मतलब ये बात सिंपल सी है कि जो स्टील होगी आपकी, जो स्टील होगी उसमें कौन सा आएगा आपका, उसमें टेंशन आ जाएगा फिर, क्योंकि वो एक लिमिट से जा रहा था, लेकिन ब्रास कह रहा था उसको कि आपको अगर मेरे संग चलना है तो आपको थोड़ी अपनी लिमिट पुश करनी पड़ेगी। तो ब्रास अपनी लिमिट पुश करेगा और कंप्रेसिव में आ जाएगा, जितना उसको जाना चाहिए था उतना नहीं जाएगा, उससे थोड़ा कंप्रेसिव में लेके आएगा, और वहीं स्टील जो होगा, वहीं स्टील जो होगा वो क्या करेगा आपका, वो आपका टेंशन में आएगा, वो अपनी लिमिट से थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड करेगा, पुश करेगा। तो आप देखो यहाँ से फटाफट कि आपका स्ट्रेस इन द ब्रास विल बी टेंसाइल, तो गलत है, ये तो सही नहीं है, आपका टेंसाइल तो होता नहीं है। फिर कह रहा है द स्टील स्ट्रेस इन द स्टील विल बी टेंसाइल, बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आपको बताया कि टेंसाइल स्ट्रेस होगा आपका किस में होगा, ब्रास में होगा आपका, ये टेंसाइल स्ट्रेस आपका किस में होगा, ब्रास में होगा, स्टील में होगा, स्टील में होगा, आपको बताया अभी। फिर कह रहा है द स्ट्रेस इन स्टील विल बी कंप्रेसिव, तो ये वाली बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि जो स्ट्रेस इन द स्टील विल बी कंप्रेसिव होगा क्या, तो जब ये वाला सही हो गया है तो ये तो गलत ही हो गया। फिर कह रहा है द स्ट्रेस इन द ब्रास विल बी कंप्रेसिव, तो ये आपका अल्टीमेटली बिल्कुल राइट आंसर है कि यह सही बात है कि ब्रास में आपका कंप्रेसिव होगा, मतलब टू एंड फोर स्टेटमेंट इज करेक्ट, द सेकेंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो विच वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे, वो बड़ा सुनने वाली बात है कि आपसे कह रहे हैं कि अ रॉड ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया A1 एंड A2 इज फिक्स्ड एट वन एंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स पी एज शोन बिलो। देखो एक पी फोर्स लग रहा है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर है। फिर कह रहा है इफ द अलाइवल नॉर्मल स्ट्रेस इन टेंशन इज 100 मेगा पास्कल, जो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेस होगा टेंशन में वो आपका 100 मेगा पास्कल हो सकता है, देन द मैक्सिमम अलाइवल लोड Neglecting stress concentration is, तो P की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम, P की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम। तो देखो समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है, वरना फिर आपको तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, सिंपल सी बात एक बात समझो कि जो P की वैल्यू यहाँ पे है वही P की वैल्यू यहाँ पे होगी और वही P की वैल्यू इस पे होगी, मतलब आपका स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस जो होता है आपका सिग्मा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है, और सिग्मा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो मतलब आपको ये वाली बात तो पता है कि जो आपका फोर्स है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है, मतलब आप कह रहे हो कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी और सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो ये जो पी है ये आपका कांस्टेंट है फॉर बोथ सेक्शन, दोनों में पी ही लगेगा, बट एरिया है तो एरिया आपका, ये आपको समझ में आना चाहिए कि एरिया जिसका कम होगा स्ट्रेस उसमें ज़्यादा होगा, एरिया जिसमें कम होगा स्ट्रेस उसमें ज़्यादा होगा। तो हम किसके लिए जाएंगे फिर, हम बात करेंगे फॉर स्मॉल एरिया, देन वी विल कंसीडर स्मॉल एरिया फॉर
for calculation instead of larger. अब देखो यहाँ पे फटाफट देख लो, आपको दिया हुआ है कि आपका स्मॉल एरिया कितना 0.5 मीटर स्क्वायर है, एरिया मैक्सिमम आपका लोड कितना हो सकता है 100 मेगा पास्कल हो सकता है। फटाफट जाओ और आंसर पुट कर दो। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन ए, ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए होता है, और सिग्मा की वैल्यू गिवन है आपको 100 × 10⁶ मेगा पास्कल गिवन है, पी की वैल्यू आपको निकालनी है, एरिया आपको गिवन है, ये गिवन है आपको 0.5 ऑफ मीटर स्क्वायर, 0.5 ऑफ मीटर स्क्वायर ये आपको गिवन है, जिसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं, इसमें आपको सोचने की कभी भी कोई भी ज़रूरत ही नहीं। तो आप क्या करेंगे फटाफट, यहाँ से पी की वैल्यू आपको अगर निकालनी है, पी की वैल्यू आपको अगर निकालनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से बात कर सकते हैं कि पी इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा 0.5 × 100 × 10⁶। तो आप इसको कह सकते हो पी इक्वल टू 50 × 10⁶ न्यूटन, जिसको आप कह सकते हो 50 मेगा न्यूटन। क्या कह सकते हो आप? 50 मेगा न्यूटन, मतलब P इक्वल टू आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 मेगा न्यूटन। सो विच वन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15? विच वन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15? इट शुड बी द ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द क्वेश्चन नंबर 50 इट शुड बी द क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 मेगा न्यूटन। न्यूटन मत टिक कराना, क्वेश्चन देख के टिक करा करो, 50 न्यूटन नहीं 50 मेगा न्यूटन होगा, 50 मेगा न्यूटन होगा, ठीक है। सो क्लियर है गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको? चलिए आपको बताइए कि अनअकैडमी हैज़ अ टू काइंड ऑफ कोर्सेज, प्लस और आइकॉनिक। जितने भी सेगमेंट यहाँ प्लस स्लाइड में मेंशन है आपके लिए, चाहे आपके लाइव क्लासेस हों, क्रैश कोर्सेज हों, वीकली टेस्ट हों, डाउट सॉल्विंग सेशंस हों, इनके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। मान के चलिए आप लाइव क्लासेस दे रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इंस्टेंट अपने जितनी भी क्वेरीज हैं उनका रिजोल्यूशन ले सकते, उनका आपका रिजॉल्व मिल जाएगा आपको वहीं की वहीं, कोई भी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उनको तुरंत की तुरंत रिजॉल्व करा सकते हैं, आपको पेंडिंग में डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर आपके जब भी कोई भी एग्जाम होंगे उन एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होगी, उनके लिए क्रैश कोर्सेज होंगे, जिसमें एक छोटे से टाइम स्पेन में आपको कंप्लीट उस एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी जाएगी, ये क्रैश कोर्सेज आपको मिलेंगे। प्लस यहाँ पे वीकली टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट मतलब आपको हर वीक में आपको पता चलेगा कि आप कैसी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको कहाँ पे ज़्यादा टाइम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आप अच्छा कर रहे हैं, कितना कुछ आपका सही जा रहा है, कौन सी आप एरर कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक्स हैं, और उसके लिए आपको करेक्टिव मेजर्स क्या क्या लेने हैं वो आप पता कर सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, पर्टिकुलरली सेशंस होंगे जिनमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने डाउट्स पूछिएगा, जिसमें कोई भी सिलेबस नहीं कराया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स रिजॉल्व किए जाएंगे, कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यू कैन ऑल्सो कम, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी देन यू कैन ऑल्सो कम, कोई भी आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं है, यू बोथ लैंग्वेज आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेबस मिलेगा। आइकॉनिक की बात करें, अगर हम आइकॉनिक की बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एडवांस लेवल हो जाता है, किसका, ये आपका प्लस का एडवांस लेवल हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आप पे इंडिविजुअली फोकस करते हैं, यहाँ पर हम आप पे इंडिविजुअली फोकस करते हैं। इंडिविजुअली फोकस कैसे करते हैं कि यहाँ पे आपको पर्सनल कोच असाइन किया जाता है, जो आपके लिए पर्सनल गाइडेंस देगा, आपको पर्सनल गाइडेंस देगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या सही तरीका है प्रिपरेशन का, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी नॉलेज से आपको गाइड करेगा, आपको मेंटोर करेगा, आपका स्टडी प्लान प्रिपेयर कराया जाएगा, जिससे आपको एग्जैक्टली पता है कि कब आपको कैसे कहाँ पे क्या करना है, कब आपको टेस्ट देने हैं, कब आपको रिवीजन करना है, इन सब के लिए भी आपको तैयार किया जाएगा। स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे, आपके वर्कशॉप्स लगाए जाएंगे, आपकी पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होगी, जिसके बेसिस पे आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आप कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कि आप कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट पे आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्लस आपको यहाँ पे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर दिए जाएंगे, जो आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। तो प्लीज़ गाइस जल्दी से जल्दी प्लस और आइकॉनिक को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए और उन्हें सब्सक्राइब कीजिए। यू ऑल नो दैट दीज आर द प्राइसेस ऑफ द प्लस एंड आइकॉनिक सेक्शन। देखिए प्लस सेक्शन की बात अगर हम करते हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की और गेट की, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है कि आपके पास में अभी पूरे 2 ईयर्स बचे हुए हैं, आपके पास में कोई लोड नहीं है, आप आराम से प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास में पूरा 2 ईयर्स का टाइम मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी मोर देन सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए, रिविज़न करने के लिए, टेस्ट देने के लिए, और जो आप मिस्टेक्स करते हैं उनके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए।
और अगर आप इनकी प्राइस देखिए, अगर आप इनकी प्राइस देखिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1770 रुपीज़ पर मंथ पे करना है। मतलब अगर आप इस प्राइस को पर मंथ में ब्रेक करेंगे तो आपको कुछ इतना प्राइस पे करना पड़ेगा। आप याद कीजिए कि जब आप अपने 12th में थे, 10th में थे, 11th में थे, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कोचिंग के लिए जाते थे, फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की, तो आप इतना अमाउंट वहाँ पे कर सकते थे, करते थे। और इसी अमाउंट में आपको क्वालिटी एजुकेशन गेट के लिए और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मिल रही है टॉप एजुकेटर्स के थ्रू, घर पे बैठ के। आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है, वरना आप अगर इसी अमाउंट के लिए किसी इसी सिलेबस के लिए, इसी प्रिपरेशन के लिए आप अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे आपको इसका लगभग 4 to 5 times आपको वहाँ अमाउंट पे करना पड़ेगा। प्लस इतनी कैटेगरीज नहीं मिलेंगी आपको, इतनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपको कभी भी कोई भी अनहाइजीनिक फूड नहीं खाना है, आप अपने घर पे रहकर तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर रहना नहीं है, इसीलिए आपको रेंट नहीं देना है, आपको अपने घर से दूर नहीं जाना है, जिससे आपको मोरल सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप थर्ड ईयर में, तो आप 18 मंथ्स के लिए पैकेज के लिए जा सकते हैं, 18 मंथ्स के लिए पैकेज के लिए जा सकते हैं। और अगर आप बीटेक पास आउट कर चुके हैं और आपके ऊपर बहुत प्रेशर है जॉब का, और आप या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए 12 मंथ सबसे बेस्ट कोर्स है। आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिन लोगों के एक बार अच्छे मार्क्स आ चुके हैं और फिर भी उन्हें थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो 6 months और 3 months के लिए जा सकते हैं एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। और अगर आप यहीं पे, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए 100% आपकी गारंटी हो जाए सिलेक्शन की, आपको हर तरीके के डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएं, तो आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं। आइकॉनिक के लिए अगर आप जाएंगे तो आपके लिए यहाँ पे आपको पर्सनलाइज ग्रूमिंग मिलेगी, आपको पर्सनलाइज इंडिविजुअली फोकस किया जाएगा। आपके सारी जितनी भी प्रॉब्लम आ सकती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी सब्जेक्टिव जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे मान लीजिए आपको प्रिपरेशन समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करना है, आप कन्फ्यूज हैं कि कब रिविजन करूँ, आप ठीक से प्रोसेस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उन सब के लिए भी आपको यहाँ गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पे भी सेम आप उसी तरीके से 24 months, 18 months और 12 months के लिए जा सकते हैं। प्लस अगर आपके पास में कोई भी फाइनेंशियल वर्डन है, आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो अवेलेबल। मीन्स आप इसी अमाउंट को 6 months में ब्रेक करके इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई भी एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट्स में आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। प्लस अगर आप, ये मेरा प्रोमो कोड है, दैट इज़ ANKUSHV, अगर आप ये प्रोमो कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 100% आपको गारंटी देता हूँ कि 10% आपको ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। प्लस आप मेरे पास में कभी भी आ सकते हैं किसी भी हेल्प के लिए, तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा, प्लस आप कभी भी मेरे पास किसी भी हेल्प के लिए आ सकते हैं। तो गाइस डिले नहीं करना, जल्दी से जल्दी जाना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे और वहाँ जाके सब्सक्राइब करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को और अनअकैडमी के आइकॉनिक कोर्सेज को। एंड प्लीज़ डू पार्टिसिपेट वेन एवर कॉम्बैट एग्जामिनेशन, कॉम्बैट जब भी अनअकैडमी कॉम्बैट होता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे आपको एक तो अपनी एनालिसिस होती है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं या आपको और कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्लस यहाँ पे आपको इसके साथ में आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। सपोज़ इफ़ यू आर सिक्योर योर रैंक इन बिटवीन 1 to 3, तो आपको 1 year के लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा गाइज। तो जल्दी से जल्दी जाना है, देर नहीं करनी है। एंड दीज ऑल आर दी इंडियाज नंबर 1 स्टडी चैनल्स बाय दी अनअकैडमी। तो जल्दी से जल्दी जाना है, इन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन, उन सबको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कराना है। और उन सब के लिए क्या कराना है, उनसे बोलना है कि इसको सबको सब्सक्राइब करना है। एंड नेवर मिस अ स्पेशल क्लास बिकॉज दोज फीचर्स आर द स्पेशल क्लास आर नॉट ऑन द यूट्यूब। सो प्लीज़ गो वेन एवर एनी स्पेशल क्लासेज हैपन, जस्ट गो एंड अटेंड दैट। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपके इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज होती हैं। यूट्यूब में एक लैग होता है, हम आपसे पीछे चल रहे होते हैं, आप जब भी आप करते हो तो आपको 30 seconds, 40 seconds का आपको एक लैग लगता है, और यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल स्किप हो जाती है। आप डायरेक्टली जैसे ही अपना क्वेश्चन रेज करेंगे वैसे ही आपको आंसर दिया जाएगा एजुकेटर के थ्रू। आप जिस एजुकेटर के चाहते हैं आप उसकी प्रोफाइल पे जाके आप डायरेक्टली उसे टेक्स्ट कर सकते हैं विदाउट एनी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली उससे अपनी जिस भी चीज़ की हेल्प चाहते हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, आपको हर एक सॉल्यूशन वहाँ मिलेगा। पोल्स फॉर द लर्नर, आपको क्लासरूम जैसी फैसिलिटी मिलेगी, आपको यू जस्ट फील दैट यू आर इन अ क्लासरूम। जैसे आप हाथ उठा के आंसर दिया करते थे, आप चिल्ला के आंसर दिया करते थे, सेम यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे पोल्स होंगे, जब भी क्वेश्चन होगा आप उनके आंसर डायरेक्टली पोल्स पे पुट कर सकते हैं। नेवर मिस अ क्लास, अगर आपने जिस भी एजुकेटर को फॉलो किया हुआ है तो उस एजुकेटर की अगर आपने फॉलो किया, उसकी जब भी क्लास होगी तो आपको उसके लिए नोटिफिकेशन भी मिलेगा, जितनी भी आपकी होंगी उतनी सबकी रिकमेंडेशन मिलेंगी आपको। प्लस आप हमेशा परेशान रहते हैं कि सर लेक्चर नोट्स, आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली लेक्चर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं से भी आप कभी भी
स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं गाइस। तो जल्दी से जल्दी जाना है, और जब भी आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे कोई भी क्लास मिले तो उसको ज्वाइन करना है। कभी भी आपकी स्पेशल क्लासेस को आपको मिस नहीं करना है। इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ द इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय द एनी एजुकेटर ऑन द अनअकैडमी यूट्यूब चैनल, तो आप जा सकते हैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। जो भी हो, चाहे पॉलिटिकल हो रिमार्क हो, चाहे सेक्सुअल रिमार्क हो, या आपके रिलीजियस रिमार्क हो, तो अगर अनअकैडमी पाती है कि वो आपका जो उनका रिमार्क है या उनका जो भी स्टेटमेंट है अगर वो आपका इनअप्रोप्रिएट है, देन डेफिनेटली अनअकैडमी विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, और उसके लिए आपको प्राइज भी दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। अगेन वी विल मीट एट द 7:30 PM ऑन द यूट्यूब ऑन द लीड गेट चैनल। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जितने भी बेंडिंग स्ट्रेस के न्यूमेरिकल्स होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, उनको सॉल्व करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। सो वी विल गाइज मीट एट द 7:30 PM। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, टेक केयर योरसेल्फ।